निकलो। जल्दी सर, जल्दी करिए, जल्दी करो। इसे ओवरटेक करके रुकाओ। रुको रुको। कम ऑन, बाहर निकलो, उतरो नीचे, नीचे उतरो। सर छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर एग्जाम टू कर सर, लेके जाओ। चले चले करते, छोड़ दीजिए, चलो बैठो अंदर। सर नमस्ते सर। सर शिक्षा में आजकल बहुत घोटाले हो रहे हैं, पब्लिक भी उसे रोकने की कोशिश कर रही है, आज क्या हुआ ये बता सकते हैं सर? प्राइवेट स्कूल में सेंटर्स रख के बहुत घोटाले हो रहे हैं, उसमें वन ऑफ द माल प्रैक्टिसेज ही वो है। नियम के मुताबिक एग्जाम 10:15 बजे, लेकिन 10 बजे ही क्वेश्चन पेपर को अलग करके स्टूडेंट्स को दे देते हैं। उस बीच में डिफेल में जो क्वेश्चन पेपर था वो स्कूल जाते समय उसे स्कैन करके स्कूल में भेजा जाता है, वो भी अधिकारियों के सपोर्ट से एग्जाम शुरू होने से पहले ही। स्कॉर्ट आने से पहले टीचर्स 1 मार्क्स क्वेश्चन के आंसर्स को बोर्ड में लिख देते हैं। इस तरह की हरकतें बहुत दिनों से चल रही। आई जस्ट फॉलोड इट अप एंड टुडे आई कॉट देम रेड हैंडेड। सर इसमें कौन कौन शामिल है बता सकते हैं? इसके पीछे बहुत लोगों का हाथ है, वो कोई भी हो, किसी भी पद पे क्यों ना हो, उसका पर्दाफाश करके रहूंगा। कौन है ये? उसका नाम अरुण है सर। हाँ। न्यू जॉइनिंग है। वो बैचलर है क्या? नहीं सर, शादीशुदा है, एक लड़का भी है। शादीशुदा है और इतनी हिम्मत? हाँ सर, क्योंकि उनकी पोस्टिंग अभी तक टेररिस्टों के एरिया में थी। एक बार मिलते हैं, समझ गया तो ठीक है। मदन पापा हा? देखा आपने, अगले 2 सालों में रियल हेलीकॉप्टर बना दूंगा। वेरी गुड, लेकिन ये कौन सा मोटर है? ये ना सर्वो मोटर, सॉलिड स्टेट एरोस्कोप सेंसर। विंस एंड रोल सभी में नहीं रहते हैं, पर इसमें स्पेशली है। आइए सर, आइए सर। अचानक आप हमारे यहाँ? मैं तेरे घर आ नहीं सकता। नहीं सर, क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज। मुझे वफादार लोग और हिम्मत वाले लोग बहुत पसंद है। वैसे भी शादी के बाद भी वफादारी और हिम्मत के साथ रहने वाले तो मुझे बहुत बहुत पसंद है। थैंक यू सर, बैठिए। इसीलिए तो तुझे मिलने आया, छोटा बड़ा कोई नहीं। मेरा बेटा है सर, 10th में पढ़ रहा है। इनका बेटा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है सर। आप तो कलेक्टर हो हैं? पर माँ बाप क्या करते हैं? गाँव में खेती बाड़ी करते हैं सर। अच्छा, इसीलिए अच्छे से परवरिश की है तुम्हारी। सर ये मेरी वाइफ। नमस्ते। अच्छे आदमी से शादी हुई तुम्हारी। तुम्हें तो 10-15 बच्चे पैदा करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पति जैसे अच्छे कलेक्टर्स की बहुत जरूरत है। तुम्हारी न्यूज देखी मैंने टीवी पर। हिम्मत के साथ ऑटो में जाके पकड़ा सर। गाड़ी को स्टार्ट करके जाने से पहले ही इन्फॉर्मेशन वहाँ चली जाती है। बेटा एक कॉफी मिलेगी? गर्म कॉफी। क्यों नहीं, अभी लेके आ। चीनी थोड़ी कम ही डालना बेटा। बड़े बड़े लोग इसमें फंसे हुए हैं, तुम्हें तो पता है ना कौन कौन है? बहुत नजदीक पहुंच गया हूं सर। कुछ लोग मुझे ढूंढते हुए आएंगे। खुद के ऊपर भरोसा है? जरूर है सर। भगवान की मदद मिली तो सब अच्छे से होगा। भगवान की? फिर भी थोड़ा संभाल के रहना, क्योंकि शहर में हद से ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। सभी गाँव में रहकर आया हूँ, सभी खतरों से खेला हूँ सर। कछुआ भी 200 साल जिंदा रहता है। डर की जिंदगी जीने से 1 मिनट भी जिए तो उसमें एक सुकून होना चाहिए और वफादारी होनी चाहिए। तुम्हारे जैसा आदमी तो 100 साल नहीं 1000 साल जीना चाहिए। क्या बोल रहा है कादिर? सब भगवान का आशीर्वाद है सर। सर फोन है, मैं बाहर जाकर बात करो। सर लीजिए। अच्छा तो मैं चलता हूँ। हे मदन अंकल, भविष्य में तू तेरे पिता की तरह कलेक्टर बनना नहीं, चाहिए। I want to become a scientist. अरे बाप रे। बात हुई क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग श्रवण। हाउ आर यू सर? या फाइन। मिनिस्टर आके गए? इट वाज अ कर्टसी कॉल सर। वो स्कूल के मामले के जो एविडेंस आपके पास है वो चोरी होने वाले हैं।
हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। सभी एविडेंस को मैं संभाल के रखा हूँ, आप इसकी चिंता मत कीजिए। सर आपकी जान को तो पहले से खतरा है, इसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, प्लीज सर। श्रवण, आई अप्रिशिएट योर कंसल्ट टुवर्ड्स मी। एनीवेयर आई स्पीक टू द आईजी, इज गेटिंग लेट फॉर माय वॉक, गुड डे। किसका फोन है मोहन? पता नहीं सर, देख लो। क्या है डरना, तुम हिम्मत ना हारना, वो घड़ी चाहे आकर हमको मिलकर जीतना। और अभी क्या है डरना, तुम हिम्मत ना हारना, वो घड़ी चाहे आकर हमको मिलकर जीतना। चाहे आकर हमको मिलकर जीतना। और अभी क्या है डरना, तू हिम्मत ना हारना, और खड़ी चाहे आकर हमको मिलकर जीतना। दोनों तेल ही है, अच्छा है भाई। अर्जेंट मीटिंग में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। एक्सक्यूज मी, थोड़ा साइड देंगे? लेडीज साइड में खड़े मत रहो। कैसे, ये सब कैसे होगा पता ही नहीं था। ये तो कुछ भी नहीं है सर, और कई ऐसे बस है जिसमें लड़के सुरक्षित ही नहीं है। लड़कों की? हाँ। ए भगवान। क्या बेटी, वो तुम्हें टच किया जा रहा है और तुम चुपचाप ऐसे ही खड़ी हो, उसे कुछ बोलती क्यों नहीं? छोड़ो बहन, रहने दो, मैं अगले स्टॉप पर तो उतरने वाली हूँ। क्या बोली, अगले स्टॉप पर उतरने वाली हो? हाँ। ऐसे कैसे? नो 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 नो, वी कैन नॉट लिव इट लाइक दिस, आई विल टीच यू माय गुड लेसन। तू जरा इधर आना। लड़की को छेड़ता है? ओ बहन जी, क्यों मार रही हो मुझे? टच क्यों किया? कंडक्टर सिटी बजा रहा है, ड्राइवर भोंकू बजा रहा है, ब्रेक मारा, धक्का लग गया, तो इसके लिए मारोगे मुझे? मैं कौन हूँ जानती हूँ? अजीत या विजय? अजीत विजय का झटका चलेगा। अरे पापी, तुझे मैं चप्पल से मारूंगी। हेलो, गिव रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट। पता है, एक और लगा दूंगी तुझे। सही कह रही हो बेटी, मैं कब से देख रहा हूँ ये लड़की है, ये भी नहीं सोच रहा कब से धक्का दे रहा है। अबे ओ बड़ो, लड़की को देख के ही धक्का मार रहा हूँ। अरे ये क्या, तू क्यों मार रही है? मैं उस लड़की को धक्के मार रहा हूँ, तुझे क्या लगता है तुझे धक्का मारना चाहिए? बाप रे बाप, मैं तुझे पुलिस के हवाले करूंगी, कोर्ट में लेके जाऊंगी तुझे। ए, मुझे देख, जैसी करनी वैसी भरनी, इसका मतलब मालूम है क्या तुझे? नहीं है तो मैं तुझे समझा देता हूँ, आज सब समझ में आ जाएगा। अरे तू क्या किलबिल कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सुबह से जो तूने गलतियाँ की हैं, शाम तक तेरे पास लौट कर आ जाएंगी, तब समझेगा। थैंक ब्रो, मतलब वो लड़की शाम को खुद आकर मुझे धक्का मारेगी? इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, मैं इसे पुलिस के हवाले करूंगी, इसे जेल में डालूंगी, देख लेना तुम। कौन है रे, अकेले आदमी से गंदी बात कर रहा है? ये वृद्ध आदमी का आधार कार्ड राशन दुकान में काम आएगा? राशन की दुकान में आधार कार्ड लेके जाओगे तो चावल नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा? कौन के नीचे एक थप्पड़ मिलेगा। क्या धक्का दिया, धक्का दिया बोल के चिल्ला रही है, जिसको धक्का दिया वो तो कुछ नहीं बोल रही है, तू क्यों बोल रही है? समझे बुढ़ो, हो सकता है दोनों लवर्स है क्या ब्रो?
साइड गैप में चीज के साथ शामिल कर रहे हो? क्यों रे, जोकर जैसी हरकतें कर रहा है। हाँ, तूने मुझे आइटम बोला, लड़की को छेड़ता है, दिस इज नॉट ओके। सही बोला मारो इसे। इसको मारो, 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 अब पुलिस इसका फैसला करेगी। बहन बहन, अभी आगे से धक्का नहीं मारूंगा। मैं भी ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करूंगा। नो नो नो, आई विल शो यू हु आई एम। बस करो करो। भाई, महीना खत्म होने वाला है लेकिन एक भी नया केस नहीं आया। जब से नया इंस्पेक्टर आया है तब से कोई गलत काम करता ही नहीं है। अरे निकलो निकलो जल्दी करो। भाई उधर देखो नया केस। चलो चलो जल्दी करो, अब नहीं बचोगे तुम लोग। क्यों भाई, मुंह क्यों फिरा लिया? एक लड़की दो आदमियों को मार कर ला रही है, एक स्कूल मास्टर गवाह बनकर आ रहा है, तो ये नया केस है ना? अरे वो छोड़ दो, अलग हिसाब है। अलग हिसाब मतलब? चलो 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 निकलो यहाँ से जल्दी। अरे आज कितना कलेक्शन हुआ रे ताई? आज सबने हाथ से ज्यादा मेरी पिटाई की है, इसलिए कुछ बढ़िया खाने के लिए लाना। पिटाई तेरी हुई, पर आइडिया तो मेरा था। आज मैंने इंग्लिश में इतनी सारी लाइनें बोली तो मेरा हिस्सा सबसे ज्यादा होना चाहिए। बड़ी अपनी इंग्लिश की तारीफ कर रही है। इंग्लिश बोलना आसान है, मैंने मुहावरा बोला वो कितना मुश्किल है पता है? पिताश्री क्या मुहावरा बोले? आधा तो बोले वो भी ठीक से नहीं बोला है? चलो यार जो भी करना है जल्दी करो। बड़ो आपके जेब में जो पर्स है ना उसको निकालो। अरे वो भी देख लो। ध्यान हटा तो दोनों बापेटे रोड पे ही नाचने लगेंगे। देखो तुम्हें सिर्फ 1000 रुपए ही मिलेंगे, बाकी शक्ति के और मेरे हैं। क्या रे, नौकर को ज्यादा देती है, फैमिली को थोड़ा देगी? ए, भाई का बहन का भाई का तीन हिस्से है ना, तो फिर बराबर वैसे हिस्से करो। इधर देखो पर्स को ताला मारा है। अरे छोड़ो, अब तो सब अपनी जेब में भी ताला लगा के घूमते हैं। लगता है बाल बच्चे वाले का है, ऐसे मालूम ताला ही नहीं मारा है। ए, आप बस करो और इसे पकड़ो। ए अप्रेंटिस, लाइसेंस को पोस्ट ऑफिस में डालो और पर्स को गोडाउन में। क्यों दोस्तों, क्या देख रहे हो? पहचानते हो ना, हम नए नहीं है, हम इस धंधे के पुराने खिलाड़ी हैं। भूल गए क्या जो ऐसे खड़े होकर घूर घूर के देख रहे हो? क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं बड़ा हूँ, बोल सकता हूँ। सुन, तन्ना तननननन, इधर क्यों, मैं उधर जाके गाता हूँ। पैसों की भरमार हो तो लाइफ में जीने का मजा है यारो। रंग रोट न जाके लाइफ में हासिल हो, ऐसा कहीं भी नहीं देखा यारो। बहुत ऊंचा कद के लुटे
शक्ति आ? बहुत कड़क धूप है, तू मुझे पक्का बता के वो आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। ए शक्ति, तेरी फिगर आई या ना आए, मेरे पिताजी को शुगर जरूर आएगी। जल्दी मत मचाओ, उसे एक बार देखोगे ना तो देखते रहोगे। क्या आई फिल्म के माइकल जैक्सन की तरह दिखती है क्या? पिताश्री, ओ एमी जैक्सन, कोई जैक्सन हो अपने को क्या? ए सब अजीत विजय के लिए है, तुझे सब सेट नहीं होगा। क्यों, शक्ति में क्या कमी है? साइड से देखा तो अजीत जैसा ही लगता है। सही बोली बहन। अरे ताई, इसे तुम्हें आंटी बुलाना चाहिए, लेकिन तुम्हें बहन बुलाता है, इसके लिए इसे ऐसे फंसाओगी? छोड़ो, तू इससे गोरा है ना, इसलिए इसे जलन हो रही है। क्या बोल रहा हूँ सुन, रोड के कुत्ते गाड़ी का पीछा कर सकते हैं लेकिन गाड़ी में नहीं बैठ सकते। जा रहे भाई। सुना, क्या हुआ? वो आ रही है। क्या बोल रहे हो? तेरा दिल धड़कने लगा। फोन को वाइब्रेट में रखा होगा, देख धड़क रहा है, एक्टिंग कर रहा है, ऐसे बोल रहा है तू? ये फोन भी ना, सच्ची आ रही है। कहाँ से? शक्ति, तुम इस लड़की से प्यार करते हो? ठीक है इस बार मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे बहन मानते हो, इसलिए तुझे अजीत कहा। तुझे सच लगा क्या? ए, ए, चलो चलो जल्दी चलो पिताजी, चलो चलो जल्दी चलो। देखा क्या कैसे देख रहा है? नोरे, मांस की दुकान में मांस का कुत्ते किस तरह से देखते हैं, ऐसे देख रहा है। अरे तू जरा साइड हो। शक्ति जाना बात कर, जा। बेटी एक इन्फिनिटी की टिकट लेना। इन्फिनिटी ना शक्ति। हेलो इन्फिनिटी, एक टिकट पास करो। इन्फिनिटी नाम नहीं है क्या? हेलो एक इन्फिनिटी। लव यू बोलने को बोला तो शक्ति भक्ति कर रहे हो, एक इन्फिनिटी देना। ए बात सुनो को, मुझे ये पर्स, ये आपके मैंने लिया है। क्या करेगा, चल निकल। एक तो पर्स चोरी कर ली, ऊपर से रुआ दिखा रहे हो। मुंह में ब्लेड भी है भाई, भाई रहने दो ना, फट जाएगा पूरा। रहने दो। ए हेलो मैडम, आई एम शक्ति। छी, तू एक चोर है और इतना घमंड, चल तुझे पुलिस स्टेशन दिखाती हूँ तुझे। हां लेके जाओ, मैंने अंदर डलवा दो, लेके जाओ इसे। देखो उसने बुलाया और पीछे चल दिया। ए शक्ति तुझे पुलिस स्टेशन लेकर जा रही है, ऐसे जा रहा है जैसे लव स्पॉट पे जा रहा है। ऐसा ऐसे होना चाहिए। अरे तो मेरा पर्स है बॉस, आपके पास कैसे आया? चार टाइम निकाल चुका हूँ एक ही पर्स को। एक पर्स को नहीं संभाल सकता तो बीवी को कैसे संभालेगा? बड़ी बड़ी बातें करता है, चल भाग 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 यहाँ से, फुट। सर सर कंप्लेंट फाइल करनी है सर। क्या है, पिक पॉकेट है क्या? मैडम बाकी गैंग नहीं दिख रही है, सिर्फ शक्ति को लेके आई है क्या? गैंग नहीं है सर, ये वहाँ अकेले ही खड़ा था, पिक पॉकेट करने के बाद बड़े रॉब से बातें कर रहा था। शक्ति ऐसी बात नहीं कर सकते मैडम। बात किया सर, आप FIR लिखिए ना। ऐसा क्यों बोलती हो बेटी, आज FIR डालने बोलोगी, कल कोर्ट में जाना होगा तो गायब हो जाओगी। मैं मलाइका, मैं मुंबई से MBA कर रही हूँ, 7th Avenue, 7th Street अशोक नगर, इधर ही रहती हूँ, किधर भी आके गवाही दे सकती हूँ। शक्ति कर दो FIR। फुल चांस है सर, कर दीजिए। सर एक FIR लिखने के लिए इससे क्यों पूछ रहे हैं? क्यों मैडम, आपका एक ही केस है, आप बोल के निकल जाओगी, हमें एक दूसरे का चेहरा डेली देखना पड़ता है। डेली सर? तो तुम जाके कंप्लेंट लिखो, पेपर दे यार, ऐसे ही खड़ा है क्या? ए शक्ति मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। प्यारी गड़बड़ है सर, लड़की बहुत खूबसूरत है, कैसे भी इसे पटा के लाइफ सेट कर देना। तभी तो सर उसने हाथ पकड़ा और मैं चला आया। सच है सर, ये लीजिए मेरी कंप्लेंट रिपोर्ट। हाँ ओके, कल आके FIR कॉपी लेके जाना। इसको 10 साल के लिए अंदर डाल दीजिएगा सर। क्या मैडम, ये कोई बड़ा आतंकवादी है क्या? 10 साल अंदर करने के लिए, ये सब हम देख लेंगे, तुम अभी जाओ। शक्ति एक जरूरी बात है, ये जो लड़की, ये क्या रेडियो से पहले खींच लिया? ये तुम्हारी सूरत देखने के लिए नहीं है, कल कुछ हफ्ता हफ्ता देके बाहर निकल गए तो फेसबुक पे ये फोटो डाल के तुम्हें बदनाम कर दूंगी। छी इडियट। सरदर्द देने वाली केस है ये। क्या सर, गला फूल है क्या आपका? क्या बात कर रहे हैं, जब से नया इंस्पेक्टर है जेब भरती नहीं है, पैसे को देख भी नहीं पा रहा हूँ। गला भरने से मतलब है ना, एक डल्ला मारते है। क्या बात है, क्या बात बोले, चलो मेरे बगैर हो ही नहीं सकता। गाड़ी लेफ्ट में। ओके सर। कौन
चाय पीते हैं। बैठ ना गजेंद्र, तीन चाय बोलो। तीन चाय, एक लेमन टी और एक लेमन टी। टाइम लगने वाला है क्या सर? और एक आदमी आ रहा है। ओके सर। नहीं सर, मैं बीवी बच्चे वाला हूँ। नहीं सर, मुझे कुछ मत कीजिएगा सर। भाग मैं आपके पैर पकड़ता हूँ सर। प्लीज सर, बात को समझिए सर। बीवी बच्चों के लिए छोड़ दीजिए सर, मुझे फंसाया गया है सर। प्लीज सर, प्लीज कभी जिंदगी में आपके काम आ सकता हूँ सर। भाग। नहीं सर, मुझे मत भाग, मत मारिए सर। भाग प्लीज सर। सर सर, गोली मत चलाइएगा सर। सर रेंज के बाहर जाएगा वो सर। और 40 मीटर है ना सर। बुलेट का रेंज 200 मीटर है सर। सर रेंज के बाहर जा रहा है सर। अब अगर चलाऊं तो उसको नहीं लगेगी ना? जी हाँ सर। तो फालतू में क्यों मारूं? जाते समय साथ बुला लेना, ये खर्च के लिए रख लो। नहीं, रखो बहन। नहीं। लो, अच्छे से जिंदगी जियो। जाओ सर। उसे ऐसे ही जाने दिया, अब बड़े ऑफिसर को क्या जवाब देंगे? मन से बड़ा कोई अधिकारी नहीं है, ये एक तीर है। इसे जिसके लिए छोड़ा है उसे पकड़ना है। सर, साहब है क्या? वो अंदर काम कर रहे हैं। ये तुम्हारा, ये मेरा, तुम्हारा, मेरा। घड़ी भी मेरी। सर, कल मैंने एक पिकपॉकेट की कंप्लेंट की थी, उसका क्या हुआ? उसके साथ ही बिजी है, बोला ना। मेरा, तुम्हारा, मेरा, मेरा पर्स। ये कह सकते हैं? एक बाजी और, जो हारा जीत लेना। जितना था लूट लिया, अब क्या बाकी रखा है? तुम्हारा शर्ट है ना। हाँ, शर्ट। बहुत दिनों से मेरे भी पुलिस वर्दी पहनने की ख्वाहिश है। नहीं, ऐसा मत करो। तुम चुप बैठो रे, एक गेम खेल लेते हैं। FIR लिख दी ना सर। वो लिख देंगे मैडम। तुम्हारा, मेरा, अपना। शक्ति, कहीं ना शर्ट। शक्ति, शर्ट देना। तुम शर्ट हार गए। ए, अरे, अरे बाहर जाना है, इंस्पेक्टर आया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरा शर्ट देना यार। अभी रख लो, बाद में पैंट भी ले जाऊंगा। हाँ, देख लेना। अरे आपने क्यों तकलीफ की? मैं तो उनको बाय करके आ ही रहा था। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, अभी आपके दोस्त पट्टू ने बताया कि आप बहुत ही अच्छे इंसान है। सर सर सर, सॉरी सर, FIR नहीं करनी मुझे, मैं कंप्लेंट वापस ले रही हूँ। ये सब होगा, मुझे पहले से ही पता था। मैडम वो बाहर होता तो कम लूट लेता, तुमने उसे अंदर छोड़ा, पूरा लूट लिया। मतलब? मैं समझी नहीं। तुम यहाँ से लेके जाओ। आप चलिए। हाँ सुनिए, कल वो पट्टू ने चैन खींचा इन्फिनिटी थिएटर में, उठा लो। इसीलिए तो अपना शक्ति चाहिए, सुपर शक्ति। बाय। क्या सर, चैन रॉबरी के बारे में ये सब आपसे क्यों पूछ रहे हैं? आप कौन है? अरे ये तो कुछ नहीं है, सिंपल मैटर है, स्टोरी लंबी है, ये कॉफी पिलाओ, डिटेल में बताता हूँ। एक्चुअली पट्टू सर ने ही, पट्टू सर, पट्टू सर ने इस बच्चे के बारे में मुझे बताया। इसको बचाने के लिए आपने अपने सर पे इल्जाम क्यों लिया? पट्टू, शक्ति, पट्टू, शक्ति, ये क्या है? हैंडशेक। ओह, बचपन की पॉकेट मारी सही है। बड़ा होके काटूंगा तो गलत है। बड़ा होके किस पर क्या बनेगा? हम दोनों से बड़ा बनेगा। मैं टाइम पे पहुंच के नहीं बचाता तो मर जाता तू। पैसे नहीं है भाई। किस लिए चाहिए पैसे? बोलना, क्यों चाहिए पैसे? स्कूल फीस के लिए। पढ़ाई के लिए चाहिए? हाँ भाई। कितना? 1500 रुपए। पढ़ाई के लिए ना मैं कितनी भी हेल्प कर सकता हूँ। जा अच्छे से पढ़ना। थैंक यू। ए पट्टे, जाना छोड़ गया ना उसको? हाँ हाँ, मैं छोड़कर आता हूँ। ए बेटा, ये ले। थैंक्स भाई। तुम पुलिस हो ना? पुलिस? मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैं समझ गई हूँ। मैंने पुलिस स्टेशन में तुम्हें देखा था और अभी आईडी कार्ड भी देख रही हूँ। आईडी? क्या चीज जैसी आंखें हैं, शार्प पॉइंट और तेज दिमाग है आपका। हाँ, मेरे फ्रेंड्स भी ऐसा ही बोलते हैं। तुम पुलिस को क्यों नहीं बता रहे हो?
तुम सीआईडी हो ना? कह तो सकती हो, लेकिन पट्टू को भी नहीं पता मैं पुलिस हूँ, मत बता देना। अरे रे, मैं क्यों किसी को बताऊँ? ए पट्टू, मैं कौन हूँ? तू अच्छा है, भला है, सब जानकारी रखने वाला, बहुत बड़ा दिमाग वाला। मैं काम क्या करता हूँ? बोला था ना, मैं क्या करता हूँ पट्टू भी नहीं जानता। ठीक है, मेरा टाइम हो चुका है, मैं निकल रही हूँ। फोन नंबर? पट्टू सर ने आपका नंबर दिया है मुझे, मैं कॉल करती हूँ आपको। क्योंकि ना पब्लिक को आपका नंबर पता चल गया तो फोन कर करके आपको परेशान कर देगी बिल्कुल, इसीलिए मैं खुद कॉल करूंगी। ओके बाय। बोला ध्यान रखना है। थैंक यू। ए यार, तेरे और मेरे अलावा और कौन बैठा है? टपरी कौन है, तू या मैं? टेंशन मत ले यार, ठंडा ले। मिनिस्टर साहब से मिलना है, अपॉइंटमेंट के बिना आई। क्या आप भी मैडम, आइए आइए आइए। आप सब लोग बैठिए, मैडम के मिलने के बाद आप लोग। ये लोग कौन है? पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। मैंने मना भी किया लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। पहले इन्हें भेजिए, मैं बाद में मिल लूंगी। मैडम आप पहले मिल लीजिए। कोई बात नहीं, पहले इन्हें मिल लेने दो, मैं उनसे बाद में मिल सकती हूँ, थोड़ी देर इंतजार कर। मैडम आप बिजी रहती हैं। कादिर, मुझे इंतजार करना अच्छा लगता है, मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक है आइए। दो दिन से मुझे मिलने का सोच रहे हो, क्या बात है? ठीक है, पर कैसे? फॉरेन की तरह सर। फॉरेन का जैसे मतलब बच्चों के हाथ में बंदूक देने बोलूं क्या? प्राइवेट स्कूलों में जो फीस है उसे कम करना चाहिए सर। कौन कम करेगा? गवर्नमेंट करेगी। एक काम करें, सारे स्कूल को गवर्नमेंट स्कूल में बदल देते हैं। हमारे बच्चों को भी गवर्नमेंट स्कूल में डालने के लिए कह रहे हैं। ये तो अच्छा आइडिया है। गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी इंग्लिश नहीं सिखाते हैं सर। ओ, ऐसा भी प्रॉब्लम है क्या? तो फिर एक काम करो, आप लोग घर पर इंग्लिश सिखा दो, मैं उन्हें स्कूल में हिंदी सिखाने बोलता। क्या मजाक कर रहे हैं सर? मैं कहां मजाक कर रहा हूं? आप मजाक कर रहे हो कि मैं मजाक कर रहा हूं? गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश नहीं सिखाते ये किसने कहा? वैसे भी इंग्लिश सीख के क्या करने वाले हो? कॉल सेंटर या पीपीओ में काम करने वाले हो? क्या आपको एक बात पता है, चाइना में 80% लोग है जिनको इंग्लिश नहीं आती। उन लोगों ने तरक्की नहीं की। अपनी तरक्की के लिए मातृभाषा बहुत जरूरी है, पहले इसे समझ लो। क्यों सर, क्या प्राइवेट स्कूल को सपोर्ट करते हो? जरा समझदारी से बात करो। जब प्राइवेट स्कूल में एप्लीकेशन फॉर्म दे रहे हैं, सुनते ही रात 1-1 बजे तक कौन खड़ा रहता है? आप लोग ही ना। आपसे बात करके कोई फायदा नहीं है। ये क्या बात कर रहे हो, बकवास बंद कर। ये सब क्या गुंडागिरी है सर? तुझे मारना होगा तो आदमी रख के नहीं, खुद मारूंगा। तुम लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। एप्लीकेशन देकर जाओ। चलो चलो निकलते हैं, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। तू क्यों इतना गुस्सा कर रहा है? फिर क्या सर, छूट दी तो बकवास कर रहा है। आज के जमाने में हफ्ता लेना कितना मुश्किल है ये उन लोगों को पता नहीं। अच्छा और कौन है? आरपी ग्रुप के एमडी आपसे मिलने आई है। आने बोलो। आइए मैडम। नमस्ते। आइए आइए बैठिए, आपके रिश्तेदार अभी आके चले गए, इसीलिए यहाँ इतनी गर्मी है। किस काम से आए? स्कूल ओपन किए 10 साल हो चुके हैं तो प्रोग्राम रखा है, आपको जरूर आना है। प्राइवेट फंक्शंस में जाने की आदत नहीं है? आदत नहीं है तो क्या, इसकी आदत तो आपको डालनी ही होगी, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और आप शिक्षा मंत्री। तो फिर दारू की दुकान ओपन करने के लिए राज्य मंत्री को आना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, अच्छे होनहार बच्चों को स्कॉलरशिप देना चाहती हूँ और इसकी शुरुआत आपसे हो तो अच्छा होगा। तो तुम्हारे स्कूल के बच्चे? ना ना ना, जो बच्चे सचमुच होनहार है वो किसी भी स्कूल के हो। अच्छी बात है, फंक्शन कभी है? आने वाली 22 तारीख। जी सर, 22 तारीख को जरा नोट करो। ठीक है सर। धन्यवाद। और हाँ, आपके कंपाउंड में कितने इंस्टीट्यूट हैं? इंजीनियरिंग, आर्ट्स, फार्मास्यूटिकल, और 1, 2, 3, 4, 5। अरे वाह, लगता है शिक्षा और धन एक ही जगह जमा है। ये सब तो ऊपर वाले की दया है, मैं चलती हूँ। हाँ, भगवान की कृपा ही नहीं, हम जैसे लोगों की भी जरूरत है, ये अच्छे से जानती है। अच्छा, कितनी सीटें होंगी इसके पास? कोई 5,000 सीटें होंगी सर। 5,000 सीटें? हाँ। इसका मतलब आज अगर मैं इसके काम आया तो कल वो मेरे काम आ सकती है। अरे ये पहले ही इलेक्शन में हमें क्यों नहीं मिली? तुम भी कमाल के आदमी हो। जी सर। देखो बहन, मैं सही कह रहा हूँ, तुम ही रॉन्ग साइड से आ रही थी। आपकी गलती है, अब नुकसान के पैसे कौन देगा? देना होगा, कम से कम 1,000 रुपया लगेगा इसको ठीक कराने में। मैं नहीं जानता, मुझे पैसे चाहिए। सर देखिए तो, गाड़ी चलानी आती नहीं है। हे श्रुति, कैसी हो?
मैं यहाँ का ड्यूटी इंचार्ज हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? 6 महीने हुए, यहाँ पर क्या हुआ है? रॉन्ग साइड से आने के कारण गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। देखिए ना, मेरी गाड़ी तो लेफ्ट में ही खड़ी है सर। रुको, कचेंग, देखो गाड़ी को क्या हो गया। तुम्हारे गाड़ी के पेपर कहाँ हैं? घर पे, जब मैं फ्री होऊंगा तो आऊंगा। ठीक है, चल चलते। तुम इसे गाड़ी बनवाने के 500 रुपए दे दो, तुम मत ले लेना उसमें से। नहीं नहीं सर। श्रुति आओ। दोबारा देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। कॉफी है क्या? अच्छी है। अरे सुनो भाई, अकेली रहने वाली लड़की के घर के बाहर पुलिस की गाड़ी? ऐसा कुछ नहीं मैडम, वो साहब की फ्रेंड है, बहुत दिन के बाद मिले, अंदर बैठ के बात कर रहे हैं। अच्छा, फ्रेंड है? हाँ मैडम। तो ठीक है। कौन है सर, आपसे इतना प्यार करती है? मैंने प्यार किया उस लड़की से। तो फिर शादी क्यों नहीं की? पर मैंने उसे कभी बताया नहीं। क्यों सर? वैसे मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ, लेकिन इस मामले में मेरी हिम्मत हार जाती है। उनके माता पिता और कोई भी नहीं है क्या सर? सब थे, एक पूरा भरा हुआ परिवार था, एक संस्कारी परिवार। फर्स्ट आया था, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से फ्री एजुकेशन देने के लिए उसके घर पर आते थे। दूसरे शहर हॉस्टल में रहना पड़ेगा, ये तो अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को हमारे स्कूल में लेते हैं। आपके बच्चे के फ्यूचर को देखो। ज्यादा मत सोचिए, सिर्फ 2 साल ही, आंख बंद करके खेलते खेलते निकल जाएंगे। उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा स्कूल उठाएगा, आप सिर्फ लड़के को भेज दीजिए प्लीज। ये लोग सही बोल रहे हैं, तुम क्या बोलती हो लक्ष्मी? हमारे स्कूल के पढ़े हुए सारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर्स, अच्छी अच्छी पोजीशन पर हैं। दो साल सबसे दूर रहना इतना इजी नहीं है। तुम्हें, ये गांव, मेरे फ्रेंड्स, ये सब छोड़ के मैं नहीं रह सकता। पहले तुम मुझे समझो दीदी। दीदी, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा। तुम चाहती हो ना मैं डॉक्टर बनूं? उनका बच्चा पढ़ के बड़ा आदमी बने, इसके लिए उसे बाहर भेज देते हैं। स्कूल में बच्चों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई, जितने उम्मीद से बच्चे को भेजा था पढ़ने के लिए, पर उसकी लाश ही खराब।
बेटे के मरने के दुख में उनके माँ बाप दोनों ही मर गए और ये गांव छोड़कर चली आई। बच्चों को फूलों जैसा संभालना चाहिए, नहीं तो ऐसा ही होता है। हाँ, इसने सबको खो दिया। आपने उनसे प्यार किया है ना सर? इस उम्र में प्यार व्यार की बात करना अच्छा नहीं लगता। मेरी बात का बुरा मत मानिए सर, आप में किसी बात की कमी नहीं है। आप प्यार क्यों नहीं करते? गजेंद्र। हाँ सर। स्ट्रेच करो, तभी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी। मैं जीप ड्राइवर हूँ, मैं क्यों भागू? ट्रेनिंग में भागे बगैर सर्टिफिकेट लेके ज्वाइन हुआ हूँ। कौन है वो? वो आरके है सर, रायपुरम काशी। 6 मर्डर, 8 रेप केस, 17 किडनैपिंग वसूली भी करता है। इसके ऊपर हर सेक्शन का केस है सर। इस एरिया का वीआईपी टपोरी है, अरेस्ट हुआ तो 5 मिनट में बाहर निकलता है। नमस्ते इंस्पेक्टर, मैं ही हूँ आरके। लुंगी पहनू तो रामकृष्ण, जींस पहनी तो आरके। इसने बताया ही होगा। अभी बताया। जो पूछना बिना हिचके पूछ लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन घर पर मिलते हैं। कहाँ? सास के घर। सर, मैंने ऐसे कड़क कपड़ों के चिथड़े चिथड़े होते हुए बहुत देखे हैं। छोटी उम्र है, संभल के। सुन गजेंद्र, शहर में गाड़ी देख के चलाना, पानी के टैंकर वाले काफी खतरनाक होते हैं। हमारे देश को साहब की बहुत जरूरत है। चलता हूँ सर। चलते हैं सर। चल। सर, पानी के टैंकर से मार दूंगा बोल रहा है सर। गजेंद्र, ऐसे लोगों में अगर इतनी गंदगी है तो खाकी वर्दी में कितनी है? शांत रहेगा तो उसके लिए अच्छा होगा, नहीं तो लेट जाएगा। जाओ, जा जाकर पानी लाओ। ओके सर। अरे क्या हुआ? अरे सर, क्या हुआ सर? सर सर, उठाना प्लीज, हेल्प करिए ना। देखिए ना क्या हो गया इनको। गजेंद्र, हेलो। अरे इधर आ जल्दी। ये कहाँ से आया? अरे गाड़ी लेकर जल्दी आना इधर। तो बाजू में मुझे भी फंसा देगा। ले आप। आ रहा हूँ सर, जल्दी आओ। डॉक्टर साहब बोले रिसेप्शन पे जाइए। एडवांस 20,000 भर दीजिए। हाँ। इसमें 3,000 कम है। ये लीजिए, मेरे पास इतने ही है। आप पूरे पैसे भर देंगे सर, तभी पेशेंट की ट्रीटमेंट शुरू हो पाएगी। जान की भी तो कोई कीमत होती है। मैं कुछ नहीं कर सकती, फुल अमाउंट भरना ही पड़ेगा। ये लीजिए, इससे ले लीजिए। बहुत बढ़िया सर, आप भी मेरे जैसे अच्छे हैं। हम दिल वाले ही किसी की मदद कर सकते हैं। ये गजेंद्र मेरे साथ ही रहता है लेकिन जेब से 5 पैसा नहीं निकलता। पुलिस वाला है ना। ए, कुछ भी बोलता है क्या? ए, तू चुप कर रे, बड़े दिल वाले की तारीफ करनी चाहिए। सर, आपसे बहुत बात करनी है, चलिए ना कॉफी पीते हैं। सर, ये चाय पी रहे हैं ना, ये भी फोकट की है। जब से पुलिस में भर्ती हुआ है पर्स निकाल के भी नहीं देखा। ए, तुमसे कुछ पूछा है क्या? नहीं सर, अभी सुधर गया है, कोई नया इंस्पेक्टर आया सुना। अरे सर, वो नया इंस्पेक्टर हमेशा गुस्से से टर रहता है। अरे तुम चुप बैठो ना। अरे यार, टेंशन क्यों ले रहा है, मैं बात करो ना मस्त। ओ सर, उसका एक नाम भी रखा है हमने नया। रहने दो, क्या नाम उसका? एंग्री बर्ड। कैसा लगा सर? उस एंग्री बर्ड को देखा है क्या? अभी चांस नहीं मिला है सर, अब उनसे 1 घंटा बात करेगा ना तो ओबामा भी हिल जाएगा। एंग्री बर्ड किस खेत की मिली है? तुम जो पॉकेट मारते हो सर को पता है क्या? पता है क्या? अरे जो कंप्लेंट करने आता उसका एटीएम पिन यही तो मुझे बताते हैं। अलग से 5,000 देता हूँ महीने का। सॉरी सर। इंस्पेक्टर कितना लेता है? इससे पहले का इंस्पेक्टर बड़ा खड़ूस था, 1-1 रुपए का हिसाब लेता था, अभी वाला बड़ा अच्छा है। तू ही तो बोला। फंसेगा तो क्या होगा? फंसेगा कभी नहीं सर। आपने देखा होगा पैंट से पर्स मारते, हम तो पैंट के साथ पर्स मार लेते हैं, हमको कौन पकड़ने आएगा। अरे आने दीजिए ना, एंग्री बर्ड ने उसका बाप जैंग्री बर्ड भी पर नहीं मार सकता। क्यों, सही बोला ना? अरे तुमने सब कुछ बता ही दिया है, मुझे कुछ बोलने के लिए छोड़ा। देखा सर, बांका है मगर शर्मिला जवान है, पब्लिक में ज्यादा बात नहीं करता। अच्छा सर, आता हूँ। सर आना तो है ही। सर सर, जबान फिसल गई सर। तुम क्या समझते हो, पुलिस डिपार्टमेंट को अंधा समझा है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ। पब्लिक के बीच चोरी करते हो, किसी को पैसे बांट देते हो, पुलिस वालों को बेवकूफ समझा है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। सर, श्रुति बहन जैसी दिख रही थी। पीछे लो। हाँ वो ही है, गाड़ी रोको। ए श्रुति। क्यों, गाड़ी फिर से ठोक दी कहीं?
क्या पेट्रोल खत्म हो गया? पुलिस वाले से झूठ बोल रही हो, चेहरे को देख के लग रहा है एक्सीडेंट करके आई हो। हे, ये गाड़ी के पार्ट्स कहाँ गए? तुम पार्ट्स को उठा करके नहीं लाती हो क्या? गाड़ी अच्छी चलाती हो, पर संभाल के चलाया करो। इनकी कौन लगती है? हे, ये सब तुझे बताना पड़ेगा क्या? चलो गाड़ी को साइड में खड़ी करो, मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। गजेंद्र, ये गाड़ी लेकर के आ जाना, डरने की बात नहीं, वो ले आएगा। सर सर, मैं लेके आता हूँ ना सर। ठीक है, ले आओ। सर, इसके ऊपर भरोसा मत करो। ये तेरा दोस्त है ना, अगर ये कुछ गलत करेगा तो तुम तो हो ना। चलो चलते, आ जाओ। सर, आप गिफ्ट देना भूल ही गए सर। वो मैं बाद में दूंगा, तुम जाओ यहां से। वो कुछ नहीं श्रुति, गजन गाड़ी में रखो। सर, आप गिफ्ट देना भूल ही गए सर। अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। शर्मा हुआ दे दो ना सर। शादी के लिए बनाया हुआ है। सर को गुस्सा ज्यादा है, लेकिन इस चीज में कम है, इसलिए आपका नाम नहीं है। आपको चलेगा तो सर को भी चलेगा। तुम बहुत केयरलेस हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। अब ध्यान से रहना। हाँ, क्यों मलाइका, आज अचानक बुला लिया? हाँ, ये है मेरी फ्रेंड अनु। हेलो, मैं इनका फ्रेंड पट्टू। वो तो मुझे पता है। हाँ, मैं इनको बोल रहा हूँ। हाय हाय, ये है नीला, FM RJ। आरजे होने? आरजे बोले तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये रेडियो में अजीत विजय दोनों साथ में एक्टिंग किए, तो किसको किसके साथ जोड़ी मिलाना है? तेरे एरिया में कौन डंडन का, मेरे एरिया में कौन डंडन का, ऐसे सब पब्लिक को उकसा के जवाब के ऊपर जवाब पूछ के थोड़ा सा गाना सुनाते हैं, वही है आरजे। क्या है सर, मेरा पर्स खो गया, मैं टेंशन में हूँ। और आप हैं किधर? खोया बस में। कौन सा रूट? 5B। पट्टू, वही लगता है आरके वाला। बाजू में कोई न्यूज़पेपर लेके खड़ा था? हाँ सर, वो बहुत देर से खड़ा था, मुझे लगा कि वो मुझे छेड़ने के लिए खड़ा है, लेकिन वो तो मेरा पर्स लेके ही भाग गया। फिकर मत करो, पर्स मिल जाएगा। कैसे? उन्होंने बोला ना, तेरा काम हो गया समझो। अरे ऐसे ही बोल रही है, ऐसा कभी होता है क्या? मलाइका बोली क्या? उसी पे ही बोल रही है। बेफिक्र जाओ, शाम को पर्स लेके घर आ जाऊंगा। कैसे? जब दिल से कोई पसंद आएगा ना, तो एड्रेस से लेके आधार कार्ड सब लिंक हो जाएगा। जाइए, चल चल गाड़ी निकाल, मिलने जाना है। लाओ मुझे दे दो। मलाइका, मैंने बेटी की शादी के लिए तुमसे पैसे मांगे थे, मिलेंगे क्या? तुम बिल्कुल डरो मत माँ, वो तो दे रही हूँ। माँ, तुम देवी को क्यों लेकर आई हो? मैंने तो उसे मना किया था, वो फिर भी चली आई। अभी किधर है वो? वो अंदर रूम में बैठी है। ठीक है, मैं देखती हूँ। देवी? हाँ। हे, इधर क्या कर रही हो तुम? नेक्स्ट वीक एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं ना दीदी, इसीलिए पूछ रही हूँ, यहाँ क्या कर रही हो? तेरी माँ तो घर घर जाके काम कर रही है, और मुझे लगता है तेरा भी यही इरादा है। नहीं दीदी, घर में सिस्टम नहीं है, थोड़े लेसन डाउनलोड करने थे इसलिए। लेकिन तेरे गवर्नमेंट स्कूल से तो तुझे लैपटॉप मिला है ना, क्या हुआ उस लैपटॉप का? उसे बेच के पिताजी ने दारू पी ली। अरे, यहाँ तो ऑफिस खुलने से पहले दारू की दुकानें खुल जाती है। चल ठीक है, तू अपना काम कर। थैंक्स। हाँ दीदी। देवी? हाँ। मेरिट लिस्ट में आओगी ना? दीदी, गवर्नमेंट स्कूल वाले ऐसे ही होते, अब हम क्या कर सकते हैं? हम लोग टॉप लिस्ट में नहीं आ सकते क्या? हम लोग इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकते क्या? मैं जरूर टॉप लिस्ट में आऊंगी। पासवर्ड है भारती। कौन है? हाय बेबी, मलाइका है क्या? दीदी, गांव से आपके दादा नौकरों के साथ आए हैं। हैं? दादा बोल गई? सॉरी, आपको दादा बोली। ये फैशन डिजाइनर है, हर समय नया कुछ ढूंढती रहती है। पापा, अपने ग्रुप की ही है। कौन सा एरिया है? आप फैशन डिजाइनर है क्या? हम दोनों दूसरे डिजाइनर हैं। क्या पियेंगे आप, चाय या कॉफी? हम 7 बजे के बाद ये सब नहीं पीते हैं। हमें व्रत है। शक्ति, आप कहाँ काम करते हो? अरे यही है, इन्फिनिटी थिएटर के बाजू में, वो गाड़ी में आधा है उधर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ये, सुपर ना। अच्छा, आप लोग बैठिए, मुझे अंदर का। ए, रुकना। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अंदर जाके कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगी ना? तू शांति रख। झूठ क्यों बोला उनसे? तुम पुलिस के आदमी हो, यहाँ किसी को बताया नहीं है? कल इसका पर्स चोरी हो गया तो तुम्हारे पास ही आके खड़ी होगी। ओके ओके, ये लीजिए पर्स। थैंक यू।
किधर है वो दिखाई नहीं दे रही है। देर हो रही थी इसलिए वो चली गई है। आई थिंक वो प्रोग्राम में होगी। वॉइस सुनोगे क्या? ओके ओके, दो मिनट अभी आती हूँ। एक चोर पुलिस बना हुआ स्टोरी। पट्टू हाथ बांध के एक जगह बैठ, चोरी मत कर। चोरी के बारे में बोल रहे हो क्या? ये देख, अरे बॉडी स्प्रे कर रहे, इसे मार के जाएंगे तो रोड की सारी लड़कियां पीछे आएगी। अरे ऐसा मत कर यार। अरे बात तो सुन। अरे पट्टू पट्टू मत कर ऐसा। पट्टू क्या कर रहा है तू? ये क्या कर लिया तूने? पट्टू क्या बॉडी स्प्रे रखी हो तू? अरे ये बॉडी स्प्रे नहीं है, पेपर स्प्रे है। पेपर स्प्रे है तो किचन में रखो, जो बैग में रखी हो। चोर लोग आएंगे इसलिए क्यों कर रही हो? क्या टोके क्या और आते रहे। तुम बिल्कुल नहीं बदलोगे, जल्दी से शादी कर लो। क्या बात है, कोई मिल गई है क्या? श्रुति इसी गांव में है। तुमने कभी बताया नहीं। चल चलते हुए बात करते। इतने सारे मैसेज कर दिए। किसने? श्रुति ने। पहले तू उसके पीछे घूमता था, अभी वो तेरे पीछे पड़ी है क्या? जल्दी से शादी के पार्टी दे दे। हाँ गजेंद्र, डॉक्टर से सारे डिटेल्स ले लिए क्या? सॉरी सर। क्यों, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? कुछ नहीं सर। फिर क्या हुआ? अरे बोलो गजेंद्र, कुछ बोलोगे तभी पता चलेगा। श्रुति बहन का। श्रुति? श्रुति को क्या हुआ? जी एक एक्सीडेंट केस है सर, और उनके जैसे दिख रहे। श्रुति है या कोई और है, सही बताओ गजेंद्र। नहीं सर, श्रुति बहन जैसे ही दिख रही है। सर सर, श्रुति को क्या हुआ? जाके देख ले। गाड़ी चलाने नहीं आती, फिर जाकर कहीं ठोक देती है, मारती ही नहीं। सत्या तू चल, मैं तेरे साथ चल। गजेंद्र कौन से वार्ड में? सर
बोलो गजेंद्र, कौन से वार्ड में श्रुति? सर अरे बोलो भी गजेंद्र। सर श्रुति बहन अब नहीं। हाँ सर अंदर पोस्टमार्टम चल रहा है सर। के फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। ए, नाम और राशि बताइए। रेवती, रेवती बहुत अच्छा नाम और राशि है। शक्ति, तुम्हारा नाम क्या है? अरे मेरा नाम रखा यही बड़ी बात है। अनाथ की राशि वाशी कहाँ होती है? राशि नक्षत्र नहीं होगा तो कोई दोष नहीं। हाँ शक्ति, शक्ति नाम नेहा। हे प्रभु मेरा ये लव सक्सेस हुआ ना तो सारे बुरे काम बंद। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणाध्वज मंगलम पुण्डरीकाक्ष मंगलाय। ए संभल के चलो रे, ये बच्चे बिना इधर जा रहे हो। ए भाई जरा देख के, देख के चलने को नहीं होता है। ए सॉरी बोला ना एक बार। ये सब मंदिर में नहीं, तू आ, तू चल। चल तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या कर लेगा, दो चकली देना भैया। ये लो पैसा, आज देवी का रिजल्ट आएगा उसके लिए गिफ्ट खरीदेंगे। ओके हाँ। मैं घर जाके फोन करती हूँ। ठीक है। देवी यहाँ बैठ के क्यों रो रही हो? क्लास में सो गए तो मुझे बहुत डांटा मैडम। क्या कर सकते हैं बेटी, मुझे भी लगा था तुम फर्स्ट आओगी। मैंने सच में अच्छे से पढ़ाई की थी, स्टेट में टॉप करूंगी मुझे यकीन था, लेकिन सब खत्म हो गया। ए इधर रुक। अरे भाऊ, अरे तूने अन्ना का पर्स मारा है। अरे मैंने तो नहीं मारा। बैंड्रा में कौन है? बैंड्रा बोले तो शक्ति भाऊ। तुझे पता है? हाँ पता है। ले चलो इसे, चल चल अंदर बैठ। मलाइका इसकी हालत देखो बेटी, इसकी हालत देखो। क्या हुआ इसे? बताओ ना। दो सब्जेक्ट में नंबर कम आया तो इसने कीड़े मारने वाली दवा खा ली। अब बाकी सब्जेक्ट में? मैंने घरों में काम करके इसे बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और ये। रो मत माँ, प्लीज प्लीज माँ, तेरी ठीक हो जाएगी। मैंने बड़े अच्छे से पढ़ाई की लेकिन मैं टॉपर नहीं बन पाई। मैं तुम्हारे लिए रेवोल्यूशन अप्लाई कर रही हूँ, चिंता मत करो। पट्टो देखा क्या? कैरम तो खेलने दे। बहुत दिन से बोला ना बड़ा हाथ मारना है। ए पर्स नहीं मारेगा बोल के कसम खाई थी ना। टारगेट था इसलिए मारा, लव के लिए छोड़ेंगे, ये लास्ट है। तेरा टारगेट का पर्स? ए, ये टारगेट का पर्स नहीं है, लखपति का पर्स है। शांति की शादी में जाने के लिए पैसा नहीं था। वो तेरा वन साइड लव स्टोरी है। वन साइड हो या टू साइड, लव लव होता है यार। पैसे ले, हां पर्स दे दे। अरे पट्टू सुन ना, मैं क्या आके देता हूं ना, मैं दे के जाना पर्स वो। अरे पट्टू सुन, यही है भाई। हेलो किधर हो आप? अपने एरिया में हूँ, बोलो ना। मुझे आपसे एक जरूरी काम है। पर्स मारा। ए, पता क्या कर रहा है तू? ए, हेलो कौन है तुम लोग? ए कौन है तुम लोग? उठा लो ऊपर हाथ में लगाना। क्यों लेके जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? क्यों भाई पर्स किधर? कौन सा पर्स? मुझे देखने के बाद भी तुझे पता नहीं चला मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं इतने पर्स मारता हूँ, मुझे क्या पता तेरा कौन सा है। मंदिर में मारा हुआ वो 4-6 पर्स। तूने ही मारा था ना? किधर है पर्स? गोडाउन में। जॉनी सर रिवैल्यूएशन फॉर्म कहाँ सबमिट करना है? वो सामने वाले टेबल पर। सर रिवैल्यूएशन फॉर्म।
डीडी ओके, आप कौन हो? देवी कहाँ है? सर वो हॉस्पिटल में है। क्या मैडम, कंसल्ट पर्सन को आना ही पड़ेगा। सर कम मार्क्स आए इसीलिए सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, इसीलिए वो हॉस्पिटल में है। कुछ भी हो जाए मैडम, उन्हें यहाँ आकर साइन करना ही पड़ेगा। सर सर आप ये सबमिट कर रहे हैं या नहीं, या मुझे बड़े ऑफिसर से मिलना पड़ेगा? क्या मैडम आप बात को समझती नहीं है। ये लो अपना कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस लिख कर दो। चलो लिखो। ओके सर। थैंक यू। साहब श्रुति के कुछ लेटर्स है। थैंक्स बहन। सर एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। क्या हुआ? सर हमने जिसका मार्क्स कम किया था ना, वो देवी नाम की लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया सर। मरती है तो मरने देना। उसका रेवोल्यूशन लेटर और ओरिजिनल पेपर सर मलाइका नाम की लड़की ने आके अप्लाई किया है। तो तुमने लिया ही क्यों? सर दूसरा चारा नहीं था इसलिए लेना पड़ा। उसे फाड़ कर फेंक दो। ठीक है सर। कुछ परेशानी तो नहीं ना? नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं। तो ठीक है। चल दिखा कहाँ है। ए, जगह अच्छे से देख लो। ए, किधर है पर? चल दिखा। आओ देख लो। चलो देखो रे। ए, इसमें कहाँ है रे? इधर आओ। इसमें अच्छे से इसमें भी नहीं है। और चेक करो फटाफट। अरे कहाँ है पर्स? कहाँ भाग रहे? चल गाड़ी का पेपर दिखा और लाइसेंस दिखा। ये लो सर। सर इसे थोड़ा देखिए। हाँ सर ये गाड़ी ओवर स्पीड में गई है, रोकने वाले ने रोका नहीं, मैंने एक फाइन भी मारा है। नहीं सर वो लड़की 2:30 बजे मरी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया है, लेकिन आपने 4:30 बजे का ओवर स्पीड लिखा है, ऐसा क्यों? सर उसके बारे में तो हमें पता नहीं, गाड़ी उसी समय पास हुई थी, टोल नाके से आपको सब पता चल जाएगा। थैंक यू। ओके सर। आहा आसी लोग पूरा पानी भी नहीं रखते है ना। गर्दन हो तो ऐसी इसे तो तूने रीवैल्यूएशन अप्लाई क्यों किया? उससे आपका क्या संबंध है? उसका और तेरा क्या नाता है? कॉर्पोरेशन में पढ़ने वाली लड़की का रीवैल्यूएशन से क्या लेना देना? वो तो पढ़ाई में बहुत अच्छी लड़की है सर, उसकी हालत बहुत खराब है। मरने दे, तुझे क्या करना है? तुम सब इंसान हो क्या? गरीब लड़की पढ़ने की सोच रही है, वो क्या गलत है? पढ़कर क्या करेगी? पढ़कर स्टेट में फर्स्ट आकर फॉरेन में पढ़ने जाएगी क्या? अच्छे से पढ़ भी लेगी तो 4 घर के बर्तन मांझ कर ही जिंदगी गुजारने वाली है, वो क्या करेगी पढ़ के? आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे देखकर तुझे ऐसा लगता है हा? बता दिखा दूं? उसके लिए मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। देख डीपीआई में गई थी, रीवैल्यूएशन अप्लाई किया था, ये सब भूल जाना। इसके अलावा अगर कुछ करने की सोची भी तो बर्बाद कर दूंगा। निकाल वो एक्नॉलेजमेंट कार्ड। नहीं है। निकाल! निकाल! हेलो इधर ही हूँ। आप ही के साथ हूँ, किसे कैसे ठीक करना है मुझे सब पता है, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ठीक। थैंक्स। निकाला क्या? अरे वो भाग रही है, पकड़ो उसे, जाना मत देना। ए पकड़ो, ए पकड़ो, पकड़ो, अरे जल्दी गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो, चलो जल्दी जल्दी। सत्या के बारे में पता है ना? बहुत अर्जेंट है। कंप्लेंट करना है। साफ खड़े हो, उनसे बात करो। क्या हुआ? कुछ
कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। कौन है? रिलैक्स। वो सब घर पे आके मुझे धमका रहे हैं। ये मैटर तो बहुत ही सीरियस लग रहा है। चलिए हम कमिश्नर ऑफिस जाके कंप्लेंट करते हैं। ओके, आइए। एसी श्रवण है क्या? जलन हो रही है, निकाल गाड़ी। ए रुक, आज छोड़ूंगा नहीं तुझे। ए चलाए वाले इसको। ए सुनो, पुलिस है तो जान से मार देगा। ए, जाके देख क्या है। ए, वो तो नहीं मारना है क्या? ए, उसे पकड़ के अंदर डाल। तू जा। छी। ए, हेलमेट। चल गाड़ी निकाल। ओके सर। मलाइका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? काम हो गया? नहीं भाई, उसे पुलिस ले गई। क्या बोल रहा है? उसे एसीपी लेके गया है। श्रवण आ गया क्या? हाँ। देख कर नहीं कर सकते क्या? गुड मॉर्निंग। कौन चाहिए? पुलिस डिपार्टमेंट। नमस्ते सर। 14 तारीख की फुटेज देख सकते हैं क्या? हाँ सर। थैंक यू। प्लीज। मैंने काम कर दिया है। सॉरी सर। गजेंद्र, श्रुति 12:30 बजे घर के बाहर गई है और ये श्रुति की गाड़ी 4:30 बजे लेकर के आ रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार वो 2:30 बजे ही मर चुकी थी, तो घर और टोल नाका के बीच में ऐसा क्या हुआ होगा? बोलो सत्या। श्रवण कहाँ पर हो? एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। श्रुति का पोस्टमार्टम जिस डॉक्टर ने किया था उसके घर पर आओ। अरे, एक इम्पोर्टेंट मैटर के लिए कमिश्नर ऑफिस जा रहा हूँ। अरे, पोस्टमार्टम में कुछ अलग करके लिखा गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। तू थोड़ा जल्दी कर। गजेन चलो। जी सर। मधुसूदन, इनको कमिश्नर ऑफिस लेकर जाओ। मैडम सर, एक अर्जेंट काम है, आप कमिश्नर ऑफिस में वेट करो, मैं आता हूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत क्यों लिखी? किसके कहने पे लिखा? किसके कहने पे लिखा? किसके कहने पे लिखा? बोल 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 बोल। बोले तो भाग रहा है। हे, कहाँ भाग रहा है? हे रुक। बोल बोल, किसके कहने पे लिखा? किसके कहने पे लिखा? बोल। क्या श्रवण, इसको क्यों मारा? ये क्या एविडेंस था? इसीलिए तो मारा। करेक्ट टाइम में आकर नहीं ठोकता तो सच बोल देता। दो के पास? तू दोस्त है क्या? रुक जा, गुस्सा नहीं रखो। तेरा निशान, फॉर्मेलिटीज क्या होगी ये तुझे पता है। तू कौन है? श्रुति को मारा तूने? अरे तू पागल है क्या?
ये सब मुझे पता होता तो मैं क्यों भाग भाग के आकर इसे मार देता? ये सब तूने किसके कहने पे किया? देख दोस्त, मुझे किसी को फंसाने की आदत नहीं है। लेकर आओ। सर, सर, वन क्वेश्चन सर, प्लीज इंस्पेक्टर ने डॉक्टर को क्यों मारा सर? इसमें कौन कौन शामिल है सर? वेट वेट वेट, कोई एक ही सवाल पूछो। देखो, अचानक उनकी गर्लफ्रेंड गुजरने के कारण वो थोड़ा मेंटल और अपसेट हो गया। बेचारे ने डॉक्टर के ऊपर शक खाकर उसे भी मार दिया। इंक्वायरी के बाद मिलते हैं। सर, 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 सर। पहले जाने दे मुझे। छोड़ उसे, पर्स किधर है? पता नहीं, उसे मार दूंगा। मुझे नहीं मारना उसे। प्लीज उसे कुछ मत करो। पूछ क्या रहे हो? मार उसको। मार। नहीं, मार उसे। रिवॉल्यूशन करना कोई गलती है क्या? वही तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। देविका का उनसे क्या संबंध हो सकता है? बहुत कंफ्यूजन है। अच्छा, लेकिन तुम क्यों भाग रहे थे? वो तुमसे किसी पर्स के बारे में पूछ रहे थे। तुम्हें बचाने आया था ना, मुझे पुलिस समझ के पर्स मांग रहे थे। हाँ बिल्कुल, उसमें तुम्हारी आईडी थी ना। अच्छा हुआ हम दोनों बच गए। बच तो गए हम दोनों, लेकिन देवी वो तो ठीक होगी ना। फोन दो, फोन दो। हेलो 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 बच्चे, ए शक्ति किधर है तू? तू किधर है? आज मैं खुश हूँ, लवर की शादी में खंडाला जा रहा हूँ। वो ठीक है, हॉस्पिटल में देवी है ना, उसे तुरंत उठाना है। ए, बहुत दिनों से इच्छा थी उठाने की। वेरी वेरी थैंक्स। चप्पल से मारूंगा। चेतन को बोल के उसको सेफ जगह पे शिफ्ट कर, मैं आ रहा हूँ शादी में। पट्टू किधर है? खंडाला में किसी की शादी में गया हुआ है पट्टू, वहीं जाना हमको। वो क्यों? पट्टू से मिलना होगा। चलो राजा और रानी की, दो दिल मिले हैं, दिल खिले हैं, यहाँ क्या समा छाया है, दिल से दिल मिलाने का।
कि मुझे तेरा देखना, नजरों से नजर को ना हटा, मेरे पास आ, मेरे साथ ही आ, मैंने प्यार तुम्हें से किया। मेरे दिल के तुम तो चारों हो, मेरे प्यार के तुम दोनों रो, तुम लाखों में बस एक हो, मैंने प्यार तुम्हें से किया। मेरे दिल को कैसे समझाऊं मैं, ये दिल की बात कहता हूँ मैं, समझा के समझता नहीं ये मन, मेरे दिल पर मर जा। मेरे बात सुन के दिल ना चल गया, मेरे साथ रह के दिल संभल गया, तू कभी न मुझ से दूर हो, तेरा जादू छा गया। कि मुझे तेरा देखना, नजरों से नजर को ना हटा, मेरे पास आ, मेरे साथ दिया, मैंने प्यार तुम्हें से किया। को क्यों मारा? सत्या, समझो हम हाईवे पर फास्ट गाड़ी चला रहे हैं, अचानक कोई बीच में आ जाता है, उसे उड़ा देते हैं, तो क्या वो मर्डर हुआ? हाँ, एक्सीडेंट है ना। श्रुति भी ऐसे हमारे रास्ते में आ गई थी, उड़ा दिया उसे, एक्सीडेंट। तुम भी हमारे रास्ते में आ रहे हो, एक्सीडेंट। ठीक है, चलो एक ग्लास चाय पीते हैं। हेलो श्रवण, सत्या को जिंदा मत छोड़ना, खत्म कर देना, खत्म करके कॉल कर।
अरे बसु, अंदर जाके बुलाते हैं, तू यहीं रुकना। सुन चंचल, डॉक्टर के गेटअप में कैसा लग रहा हो? कोट पहन के टीवी एंकर जैसे लग रहे हो, अंदर चलो। चलो। गुड मॉर्निंग। तुम अभी डॉक्टर हो? पता है, डॉक्टर इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी एक ही काम क्यों करते बैठते हैं? इंजीनियर बने, वकील बने, ऐसा कोई काम चेंज करने के लिए हम तो है ना, फिर गिरगिट क्यों? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इससे पहले मैंने आपको यहाँ पे देखा नहीं था। वो इसलिए कि मैं लेडीज स्पेशलिस्ट हूँ। ओहो, आपका नाम? वीरेंद्र प्रसाद। नाम तो डॉक्टर वीरेंद्र है। नाम वीरेंद्र प्रसाद है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लिखते हैं, पढ़ते समय वीरेंद्र डॉक्टर करके पढ़ लेते हैं, है ना डॉक्टर? नहीं समझा। डॉक्टर ओरिजिनल डॉक्टर को लोकल डॉक्टर की इज्जत करनी चाहिए। आप वो सब छोड़कर उसकी टांग नहीं खींच सकते हैं। अगर आज के दिन आप किसी की भलाई करेंगे तो कल आपका भी भला होगा। ओके ओके, यू कैरी ऑन कैरी ऑन। देखा ना कैसे मैंने एक मुहावरा सुनाकर भगा दिया। मुहावरा ही सुनाते रहते हो। चलो चलो। मैडम, यह देवी कौन है? आप कौन? मैं नर्स हूँ। हाँ ओके ओके, मलाइका ने बताया। मैडम जल्दी करें, जल्दी करें। आराम से, ये क्यों फोन कर रहा है? हाँ बोल रहे। बहन, वो लोग अंदर आ चुके हैं। आ गए क्या? तू मैन लेके पीछे आ जाओ। पिताजी, पिताजी वो लोग आ गए हैं। जल्दी करो, जल्दी करो। डॉक्टर सुन, वो डॉक्टर को बुला रहा है, तू उसे देख। अभी जिंदा निकल जाए यही बहुत है। तुम इसे खा के सो जाओ, ठीक है? अरे अरे, ओके डॉक्टर, तुम मैं इमरजेंसी केस, एम्बुलेंस। यस डॉक्टर, टेल मी डॉक्टर। कीड़े मारने की दवा पिया था, वो अच्छा ही था ना? कीड़ा मारने की दवा में मिलावट थी इसलिए जान बच गई उसकी। फिर क्यों अचानक मर गया? हमने जो दवाई दी उसमें भी मिलावट थी इसलिए वो मर गया। डॉक्टर बुला रहे हैं, मैं जा रही हूँ। मैं आ रही हूँ डॉक्टर, कमिंग डॉक्टर। पिताजी, पिताजी, हम सब साथ होके नहीं जा सकते, अलग होके जाना होगा। विजय को, देवी को लेकर जाने दो। ए, तुम अनु को लेके ऑटो से जाओ। तो मैं? तुम गेटअप उतार के पेशेंट के साथ चलो। जल्दी दो, कोट उतारो। जल्दी करो पिताजी, जल्दी उतारो। तुम दोनों जल्दी आओ, जल्दी आओ, आओ आओ बहन में बैठो। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी। मेरी बच्ची को देख के जरा, देख के जरा, वो 2 रुपए का कॉइन। क्या हुआ, क्या हुआ बच्ची को? देख के मेरी बेटी की। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो ये लो, इसे रख लो। हाँ अरे जल्दी निकलो यहाँ से। श्रवण ऐसा करेगा सोचा भी नहीं था सर। साचा गजेंद्र, जिसको दोस्त माना वो मारने आ रहा है, जिसे मारे बगैर छोड़ा वो जान बचा रहा है, क्या चल रहा है? श्रवण, उस इंस्पेक्टर को खत्म कर दिया। हेलो श्रवण, श्रवण कौन है सर? मिनिस्टर का पीए श्रवण को फोन किया था, मेरा एनकाउंटर हुआ कि नहीं ये पूछ रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र लग रहा है। शक्ति और लड़की को एक गैंग भगा रही है सर। अभी शक्ति कहाँ है? बस अब थोड़ी देर में हमारे नेता आने वाले हैं। हमारे नेता जी के आने से पहले आप सभी सिंगिंग क्वीन को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। ये है सुरों की मलिका, जो अब से थोड़ी देर में अपना गाना पेश करेंगी। नमस्कार। खूबसूरत सा फूल नाचे, आप भी मेरे साथ नाचे। जल्दी डाल, तेरा मामा तो बड़ा आदमी है, मिनिस्टर को बुला के शादी करवा रहे हो, और इसके अलावा भी कोई गिफ्ट नहीं लेकर आना है, है ना बड़ा आदमी? बता बता, तुमने मामा को क्या समझ रखा है? वो कोई साधारण आदमी है क्या? ध्यान दिया? ध्यान दो भाई, गुलाम डालोगे तो बाजी मार दोगे। अल्टी हो जाऊंगा, पलटी हो जाऊंगा। उधर देखो, वो लड़की मुझे प्यार से देख रही है। लड़की? भाई नहीं चाहिए, शादी के घर में बवाल हो जाएगा। ऐसा कौन लफड़ा है जो मैंने नहीं किया? तू पत्ता डाल। तू किंग को डाल, क्वीन को डालता हूं। भाई छोड़ रहे उसे। ये मुझे ये गेम नहीं खेलना है। अरे मुझे एक ही पत्ते की जरूरत है। हाँ जैसे बहुत बड़ा नेशनल गेम है, झूठ कर रहे हैं। तेरी लड़की की शादी कब है? अरे तू भी ना, देखने में वो सीधी शादी लगती है लेकिन असल में वो उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। तो और मुझसे चाहती है, वो उसके पास आ गया ना तो समझ ले। तुमने देखा और मुस्कुराया, इस पट्टू के दिल को घायल कर दिया। तुमने पुकारा और हम तेरे पीछे पीछे चले आए, वो भी जान हथेली पे लेके। तेरी एक एक मुस्कुराहट पे मैं अपनी जान निछावर कर दूंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसका चेहरा चेंज होगा तो? अरे बाप रे, चिकन
चिकन तंदूरी, मटन हो या उसकी तरी, जो तुम्हें पसंद है वही मुझे भी पसंद है। तब तुझे देखना चाहिए उसका चेहरा, और अगर करीब आ गया तो समझ ले हो गया कल्याण। हाथ लगा लिया तो? हाथ लगा दिया तो समझ ले धो के सुखा देगी। मिनिस्टर वगैरह आ रहे हैं, इससे सेफ जगह और कोई नहीं होगी। हम मिनिस्टर को अगर अपना प्रॉब्लम बता दें तो? सुपर आइडिया, उनसे बता देते हैं, लेकिन कैसे बताएंगे? हे भगवान, तू बार बार भूल क्यों जाता है? भूल गया ना? मैं कौन हूँ? पुलिस ही हो ना? हम लोग पहले पट्टू से मिलेंगे, उससे पर्स के बारे में पूछेंगे, फिर मिनिस्टर से मिलेंगे। ओके हे पट्टू, ये शक्ति किधर गया था, नजर ही नहीं आ रहा था। अरे वो सब बाद में बताता हूँ, पहले वो पर्स किधर है बता। पर्स वो तो इधर ही है, क्या हुआ? अरे इसकी वजह से बड़ा बवाल हुआ यार। क्या है, क्या ढूंढ रहे हो तुम? क्या ढूंढ रहे हो? ए सच बोल, कुछ निकाला? ए सिर्फ पैसे ही लिया था मैंने। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। चलो बोलते वो कौन है? मिनिस्टर के साथ जो बात कर रहा है उसी ने मुझे मारने की कोशिश की। बोलो
तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे वो? ये मुझे बचाना चाहते थे इसलिए। फिर भी पीछा क्यों कर रहे थे? मेरे घर पे जो नौकरानी है उस लड़की का नाम देविका है, उसके 5 मार्क्स कम पड़े थे इसलिए रीवैल्यूएशन अप्लाई किया था, उसके बाद से है मेरे पीछे पड़े हैं। शायद उसका नाम कादिर है सर, मिनिस्टर का पीए। मेरा पीछा करने वाले भी उन्हीं के आदमी है सर। हाँ सर, इसके आईडी कार्ड को देखने के लिए पुलिस है, ये जानने के लिए पर्स किधर है, पर्स किधर है पूछ रहे ये तुम्हें पुलिस वाला लगता है? अरे अरे, आपको भी नहीं पता है, गलती कर दी मैंने, सॉरी शक्ति। कोई बात नहीं, क्या हो रहा है यहाँ पर बताता हूँ सर। इधर आ, ये हमारे डिपार्टमेंट का मैटर है, बात करके। सॉरी। तू पुलिस वाला है, लड़की से झूठ क्यों बोल रहा है? सर मैंने कुछ नहीं बोला सर, वो खुद ही ऐसा समझती है। हाँ, कौन सा पर्स है? अरे पर्स ही तो सरदर्द है, वो आरके का पर्स मार दिया सर मैंने। सुधर जाऊंगा बोला था सर? बोला तो था सर, मगर ये पर्स के लिए तो पीछा कर रहे ना। पर्स कहाँ है? ये सर, ये लीजिए, अंदर कुछ भी नहीं है, मैंने देख लिया सर। बढ़िया पर्स है सर, इतना अच्छा पर्स कहीं नहीं मिलेगा सर। सर देख लीजिए सर, मजबूत है सर, देखिए ना सर। सिम कार्ड? क्या सर, ये सादे सिम के लिए हमारा पीछा कर रहे हैं? हो सकता है, ये कोई साधारण सिम नहीं लग रहा, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी बात है। इस सिम का मिनिस्टर के साथ कोई संबंध लग रहा है, कादिर को पकड़ पता चलेगा। कितने स्केच बनाए होंगे, कितने जनों को उड़ाया होगा, कैसे कैसे मिस हो गया ये प्लान? टेंशन मत लो कादिर, वो इंस्पेक्टर नहीं आया होता तो सब ठीक से हो जाता। हट, वो तो इंस्पेक्टर है, उसको और उस लड़की को खत्म नहीं कर सके। पर्स मिलने का इंतजार कर रहे थे बस, खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है, चिंता मत करो, खत्म तो करेंगे ही। खत्म कर, टाइम नहीं। ठीक है, तू निकल। आरके, मुझे वो पर्स और उन तीनों की लाश चाहिए। मालूम है तूने फोन नहीं उठाया, तभी समझ गया था कुछ गड़बड़ है। बात मत कर, बात मत कर, ध्यान से सुन। उनको ढूंढने के लिए अपने पूरे डिपार्टमेंट को लगा दे, मैंने आरके को ढूंढने को बुलाया है, उनको जिंदा नहीं छोड़ना। उस सत्य और लड़के की फोटो मुझे व्हाट्सएप कर। महसूस कर रहा है क्या? वो मर चुकी है ना, और मरने के बाद भी वो कितनी खूबसूरत दिख रही थी पता है? उसका इस्तेमाल किए बिना मैंने उसको मार दिया, यही गलती कर दी मैंने। क्या बोला तू? अबे तो है कहाँ? हाँ सर, बहुत देर से फोन बज रहा था, अटेंड नहीं किए, क्या हुआ पता नहीं सर। Damn it! ए, एक नंबर ट्रेस करो। यस सर। 98414-7022। वर्षों आईडिया सर। Damn it! उठा लिया है। Okay. बोल श्रवण। इधर है। उन लोगों को ढूंढने जा रहा हूँ। जल्दी वर्षों चले जा, कादिर को उठा लिया है। क्या बोल रहा है? अभी तो मैं बात करके आ रहा हूँ। अरे वो सब मुझे पता है, मैं सिग्नल ट्रेस करके बता रहा हूँ, तू उधर वर्षों जल्दी चला जा। ठीक है जल्दी वर्षों वाले। मैं तुझे मार दूंगा। Oh!
सत्य से मार क्यों दिया? श्रुति कैसे मरी बिना बताए चला गया? आपकी जान बचना जरूरी है। हाँ श्रवण, मैं आ गया हूं। कादिर, कादिर, आरके, जल्दी जल्दी करो। हाँ हाँ, ऊपर चढ़ रहा हूं। जल्दी जल्दी, देख रहा हूं श्रवण। आरके कितना टाइम लगा रहा है? हाँ जा रहा हूं। कादर, कादर, हाँ श्रवण, ऊपर पहुंच गया हूं। है या नहीं? क्या हुआ, पहुंचा क्या? नहीं, इधर क्या चल रहा है पता नहीं। क्या चल रहा है आरके? हेलो आरके, तू आने वाला था इसलिए फोन ऑन रखा था, अब आ गया। तू बोलेगा या वो बोलेगा? सर गुड आफ्टरनून। क्या कर रहे हैं तुम्हारा डिपार्टमेंट? सर, सर नहीं सर, वी आर ऑन द जॉब सर। सर प्लीज प्लीज थोड़ा टाइम दीजिए, हम उसे पकड़ लेंगे। शक्ति, वो बोल रहा है क्या? बोल रहे, क्यों मारा उसे? ए, क्या खेल खेल रहे हो? कितने बड़े लोगों पे हाथ डाला है पता तुम्हें? कादिर को अगर कुछ भी हुआ ना तो दोनों खत्म हो जाओगे। नहीं बोलोगे तुम दोनों को मार दूंगा, मुझे सच्चाई पता चलनी चाहिए। क्यों मारा? बोल रहा है ना? ए, जवाब दे, नहीं बोलेगा तो मार। बताता हूं। श्रुति को क्यों मारा? मिनिस्टर का इससे क्या संबंध है? तुम जैसा सोच रहे हो वैसा मिनिस्टर का कोई हाथ नहीं है। फिर कौन है रे? इन सब का कारण वो राजलक्ष्मी मैडम है। उन्हीं के कहने पर मैंने और कादिर ने कलेक्टर अरुण कुमार को सेलफोन बम से मारा। सस्ते भाव में देने के लिए हम क्या भाजी की दुकान चला रहे हैं? स्कूल चला रहे हैं हम? बगैर समझे बात करता है कलेक्टर। अगर हमें जीना है तो उस कलेक्टर को मरना ही होगा, समझे? क्योंकि 10+2 पब्लिक एग्जाम में उनके बच्चे ही स्टेट में फर्स्ट आने चाहिए, ऐसा उन्होंने तय किया था। मुंबई में स्टेट में फर्स्ट आने वाले बच्चे को सिलेक्ट करके फ्री में सीट देते हैं, ये बोल के मैडम एडमिशन देती हैं। क्या हुआ कुमारन, डल क्यों है इतना? कुमारन, माँ बाप से अलग रहना तकलीफ है ही, लेकिन लाइफ में आगे नहीं जाना है क्या? डॉक्टर या कलेक्टर नहीं बनना है? अब ये स्कूल ही तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारी माँ, पिताजी, बहन, ये लोग जैसे तुम्हारा ख्याल रखते थे वैसे ही मैं रखूंगी, ठीक है? इसका नाम क्या है? श्रुति मैडम। श्रुति, तुम बात नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, जो बात किए बगैर रहते भगवान के समान होते हैं। +1 की क्लास मैडम के स्कूल में सिर्फ नाम के लिए है, +1 में पढ़ने वाले बच्चों को +2 की ही शिक्षा देते हैं। क्या हुआ रमेश, क्यों रो रहे हो? हाफ ईयर एग्जाम में 55% ही मार्क मिला है। इसमें क्या है, नेक्स्ट टाइम ज्यादा पढ़ के अच्छे से मार्क्स लेके आएंगे। 65 के नीचे रहेंगे तो ब्लैक होल में भेजेंगे। ब्लैक होल मतलब? एक दिन में 18 घंटे की पढ़ाई, सही से खाना नहीं, सही से सो नहीं सकते हैं, किसी से बात भी नहीं कर सकते हैं, ये सब जानकर कुमार नाम का लड़का हॉस्टल छोड़कर घर जाने की जिद करने लगा। क्यों घर जाना चाहता है, यहाँ किसी चीज की कमी है? मत मारो सर, मत मारो। मार दूंगा तुझे। ए, रघु, स्टॉप इट, स्टॉप इट। व्हाट्स हैपनिंग? बच्चे को क्यों मार रहे हो? नहीं, घर पे जा रहा हूँ, ऐसी जिद कर रहा था। कितना बोल रहा हूँ फिर भी जिद कर रहा है, सुन ही नहीं रहा है। क्यों बेटा, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मुझे यहाँ नहीं रहना मैडम, मुझे घर जाना है। आई वॉन्ट टू गो होम। बेटा, 10th में तू स्टेट फर्स्ट आया, इसलिए 5 लाख रुपए में बेचने वाली सीट फ्री में तेरे ऊपर इन्वेस्ट की है। क्यों? 12th में भी तू ही स्टेट फर्स्ट आएगा, इसलिए फिर आधे में कैसे जाएगा तू? मुझे जेल जैसा लगता है मैम, एक मार का मार तो भी बहुत मारते हैं। करेक्ट, एक मार और एक ही मार्क से फर्क पड़ता है, यहाँ 100 मार्क्स ही चाहिए। जा पढ़ाई कर, मुझे जाना है मैडम। बोल के समझाओ।
मैडम मैडम मेरी बात सुनिए मैडम, मुझे नहीं लगा दिया, रुक ये शैतान बोल रही है जा पढ़ाई कर लेके जाइए। छोटू छोटू मैडम क्या गया वो? गया क्या? हाँ। साल में इसके जैसे एक दो आ ही जाते हैं। बच्चों के बीच झगड़ा हुआ, उसके दिल को ठेस पहुंची और उसने आत्महत्या कर ली। मैडम आरके कादिर को फोन करना, बाकी वो सब संभाल लेंगे। मैडम के हाथ से मार खा के मरे हुए लड़के कुमार को लड़कों के साथ झगड़ा हुआ इसलिए उसके दिल को ठेस पहुंची और उसने आत्महत्या कर ली, ये बोलकर उसकी बॉडी को घर भेज दिया गया और उन लोगों ने मान भी लिया था। बहुत दिनों के बाद हमारे स्कूल से ही पढ़ा हुआ एक लड़का कुमार की सच्चाई जान गया। उसने ये सच्चाई उसकी बहन को बता दी और वही न्याय मांगने के लिए कुमार की बहन मैडम के पास आई थी। कौन हो तुम, क्या चाहिए? ओ कुमारन की सिस्टर, क्या चाहिए? मैंने मारा, ये कौन सी नई स्टोरी है? फ्रेंच के साथ झगड़ा करके अपमानित होकर फांसी लगा ली तेरे भाई ने। दुख हो रहा है किसे, तुझे या मुझे? 5 लाख की सिट फ्री में देकर पढ़ने को बोला तो मर गया तेरा भाई, नुकसान तो मेरा ही हुआ। ए, समझा रही हूँ, फिर भी मैं नहीं मारा ऐसे बोल। इसके पास प्रूफ है, मरते दम तक ये हमें नहीं छोड़ेगी। कादिर हाँ कहा था बात किए बगैर रहने वाले भगवान समान होते, इसीलिए भगवान के पास भेज रही श्रुति को मारकर कि वो एक्सीडेंट में मर गई है, पुलिस को ये भी यकीन दिला दिया। लेकिन उसके भाई के फ्रेंड ने मिनिस्टर को सारी सच्चाई मेल करके बता दी। ये तुम्हारे स्कूल में पढ़े हुए एक स्टूडेंट की कंप्लेंट है। लोकप्रियता के साथ कंप्लेंट भी आती है सर, आप पर भी तो कितनी सारी उंगलियां उठती है ना रोज, है ना? प्रजातंत्र में कोई भी किसी के ऊपर कंप्लेंट दे सकता है, लेकिन इसके लिए प्रूफ चाहिए। ये तुम्हारे नाम का CBSI में आया हुआ रिपोर्ट है। तुम्हारे स्कूल में बार बार होने वाली आत्महत्या, फीस, गोलमाल, डोनेशन, ये जो बच्चों को पढ़ाने के नाम पर ब्लैक होल में तुम लोग जो टॉर्चर करते हो, इन सभी चीजों का प्रूफ है इसमें। ये मुझे डराने के लिए या समझाने के लिए? आप एक शिक्षा मंत्री से बात कर रही हैं, ये बात ध्यान में रखिए। आप शिक्षा मंत्री हो ना, कोई भगवान तो नहीं? हर एक चीज का भाव है सर, व्हाट्स द डील, क्या चाहते हैं आप? सिर्फ एक ताला आपके सारे इंस्टीट्यूशन को बंद कर सकता है। आप तो कुछ जानते ही नहीं है, गजरा लगाकर चोटी बांधकर छतरी पकड़कर स्कूल जाने वाली साधारण टीचर नहीं हूँ मैं। मैं अलग हूँ, मेरी हंसी के पीछे कितने लोगों का रोना है वो मुझे ही पता है। तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है, मैं कौन हूँ जानती हो? उधर देखो, वो जो नेता 3 लोगों को खाना परोस रहे हैं उसमें से एक मैं हूँ। कॉन्वेंट में पढ़ के बाप के पैसों को बचाने के लिए राजनीति में नहीं आया हूँ, एक चावल के दाने के लिए स्कूल गया हूँ। खाए हुए दाने को धोखा नहीं देना चाहिए, इसलिए इस पद पर आकर पब्लिक की सच्चाई से सेवा कर रहा हूँ। किससे सौदे की बात कर रही हो? पाप पुण्य का हिसाब करेंगे तो बिजनेस कैसे करेंगे? बिजनेस? स्कूल चलाना बिजनेस नहीं कहलाता है, वो एक सेवा है। शिक्षा देने वाला भगवान कहलाता है और तुम सब लोग भगवान के समान हो। कौन से भगवान को स्पेशल टिकट बगैर देख सकते हैं सर? तुमसे बहस नहीं कर सकता। सो, कुछ फैसला करके ही मुझे बुलाया होगा, बात करके टाइम वेस्ट नहीं करते। मेरी इंस्टीट्यूट को बंद करके दिखाइए। 40 साल राजनीति का एक्सपीरियंस है, तुम पहली चाल चलोगी तब तक मैं तीसरी चाल चल चुका रहूंगा।
सारे स्कूल बंद किए तो क्या होगा मुझे पता नहीं है क्या? मेरे इंस्टीट्यूट में 20,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अगर तुमने ये बंद की तो बीच रास्ते पर आ जाएंगे। कितनी माओं ने मंगलसूत्र तक गिरवी रखकर फीस भरी है, उनको क्या जवाब दोगे? आपका फैसला बच्चों को भारी पड़ेगा। चलेगा? जल्दबाजी करके मैं तुम्हें दंड नहीं देना चाहता, बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल नहीं करना चाहता। तुम्हें एक महीने का टाइम दे रहा हूं, इसी में तुम्हारे सारे प्रशासन को गवर्नमेंट के हवाले कर दो और हो सके तो दंड से बचो। मुझे सक्सेस पसंद है, सरेंडर नहीं। तुम्हें शनि पकड़ लेगा। गले में पत्थर बांधकर समंदर में कूदना अच्छा नहीं है। सुंदर है या गटर मुझे पता नहीं, जल्द ही सारे पब्लिक को बता दूंगा। एक महीना नहीं सिर्फ एक हफ्ता मिलेगा। गेट आउट। मंत्री साहब, ईमानदारी इतनी भी अच्छी नहीं। मैं एक सत्यवादी हूँ और हमेशा सत्यवादी ही रहूंगा। मैडम, वो मुझे एक हफ्ते का टाइम दे रहा है, मैं उसे 4 दिन का टाइम दे रही हूँ। चौथे दिन मेरे स्कूल की घंटी बजने से पहले उसकी घंटी बजनी चाहिए। उड़ा दो। कैसे मैडम? जैसे कलेक्टर को मारा। सिम कार्ड रेडी करो। उसे शक्ति ने हमारी जेब काट कर ले लिया, इसलिए हम उसका पीछा कर रहे थे। आज का दिन ही आखिरी दिन है, मिनिस्टर को खत्म करने का दूसरा प्लान बनाया है, कैसे भी उसे खत्म कर देंगे। साहब, इंस्पेक्टर सत्या बात कर रहा हूँ। सर, एक एविडेंस था वो भी गया, प्रूफ नहीं कर सकते। सर, कर सकते हैं सर। इन्होंने जो इल्जाम लगाया वो कबूल है आपको? उन्होंने जो बोला वो कबूल नहीं कर सकती है और ये गलत है। योर ऑनर, सभी गुनहगार अपने गुनाह कबूल करें ऐसा जरूरी नहीं है। गुनाहों को प्रूफ करने के लिए एविडेंस रहे, सजा देने के लिए वही बहुत है। कटघरे में खड़ी ये औरत बहुत बड़ी क्रिमिनल है और इसे प्रूफ करने के लिए मेरे पास कई एविडेंस है। इस वीडियो एविडेंस के अलावा कोई और एविडेंस है आपके पास? यस योर ऑनर, इनके शिक्षा संस्थान में जब रेड पड़ी थी तभी ये वहाँ मिली थी, ब्लैक मनी, वहाँ पर काम करने वालों के बयान, इंस्पेक्टर सत्या, उसके बाद इस केस को सुलझाने में जिन्होंने बहुत मेहनत की, मिस्टर शक्ति, मलाइका, इसके गवाह हैं। गुनाह साबित करने के लिए इतने सबूत काफी हैं। गुड, यू कैन प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर।
पढ़ाई करो, किसी भी हालत में पढ़ाई करो, हमारे देश में यही कहा जाता है। शिक्षा देने वाला भगवान कहलाता है, इन्होंने भी यही कहा था और अपने आप को शिक्षा की देवी समझती हैं ये। लेकिन अगर कोई शिक्षा को ही बेच दे तो ऐसे इंसान को क्या कहेंगे? योर ऑनर, इन्हीं लोगों की वजह से शिक्षा आज एक व्यवसाय बन गई है। शिक्षा भगवान है, शिक्षा माता है, शिक्षा पिता है, ऐसा ही कहा जाता था हमारे जमाने में। लेकिन आजकल धन ही शिक्षा है, धन ही माता है और धन ही पिता है, तो क्या यही भविष्य है? शासन में आने वाली सभी सरकारें दारू की दुकानें चलाने के लिए रेडी हैं, लेकिन स्कूल चलाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। गवर्नमेंट वाइन शॉप में स्लाइड वाइन शॉप है योर ऑनर, लेकिन कहीं भी गवर्नमेंट स्कूल में स्लाइड स्कूल है क्या? इस देश में जनसंख्या के रेशियो के हिसाब से गवर्नमेंट स्कूल ज्यादा होने चाहिए। हर साल हमारी सरकार कम से कम 10-20% गवर्नमेंट स्कूल बंद कर रही है। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, 70 सालों के बाद भी क्या हमें शिक्षा का अधिकार मिला है? हमारे देश में अशिक्षा का कारण इनके जैसे शिक्षा के व्यापारी ही है योर ऑनर। इसका मतलब गवर्नमेंट जो कर रही है वो गलत है? ऐसी बात नहीं है योर ऑनर, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा सेक्शंस हैं। सेक्शन 41, 42, 43, 44 एक्सेट्रा, ऐसे बहुत से कानून में तो शिक्षा के लिए बहुत सारे सेक्शंस हैं। हमारे देश में ना ही स्कूल में इतने सेक्शंस हैं और ना ही इतने टीचर हैं। मैं इनसे कुछ सवाल पूछने की परमिशन चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। नमस्ते जी। नमस्कार। ये जो राजलक्ष्मी जी हैं, इनके गुनाहों का पता आपको कब और कैसे चला? इनके इंस्टीट्यूशन का जो पुराना स्टूडेंट है उसने मुझे मेल के द्वारा कंप्लेंट भेजा था। मैंने इंक्वायरी करके देखा तो वो सच निकला, और पूछताछ कर रहा था तो इसी बहन ने मुझे मारने की कोशिश की थी। उनके गुनाहों का पता लगते ही जज ने अगर फैसला सुना दिया तो जेल जाने के बाद उनके स्टूडेंट्स का क्या होगा? बर्बाद हो जाएंगे। क्यों? गवर्नमेंट शामिल नहीं करेगा? गवर्नमेंट शामिल करेगी, पेरेंट्स शामिल नहीं करेंगे। पब्लिक को सरकारी नौकरी चाहिए मैडम, सरकारी दामाद चाहिए। सरकार फ्री में देने वाली सभी सुविधाएं हर किसी को चाहिए होती है, सिर्फ सरकारी स्कूल छोड़कर। पर ये हाल क्यों है? अच्छी जगह नहीं है, अच्छे बाथरूम नहीं है, टीचर्स भी नहीं है, इसीलिए स्टूडेंट्स भी नहीं आते। इसके बारे में क्या कहें? गलत ही है, लेकिन उन गलतियों के कारण हम नहीं है। एक नौकर ने गलती की तो मालिक उसे डांटता नहीं है क्या? ऐसे ही हम लोगों का मालिक कौन है? जो वोट देते हैं वही ना। हमने गलती की तो हमें भी डांटना चाहिए। वाइन शॉप में 5 रुपया ज्यादा लिया तो आधा घंटा झगड़ा करते हो, वही पब्लिक एक स्टूडेंट के साथ कुछ गलत हुआ तो साथ देती है क्या? ऐसा करने से डरती है क्योंकि उनके बच्चे को वहाँ से निकाला जा सकता है। किसी भी पेरेंट में इतनी हिम्मत नहीं है जो अपने बच्चे का साथ देकर कंप्लेंट करे, हाथ पर हाथ धरे बैठ जाते हैं। सर, अपने देश में 119 प्रकार के सर्विस टैक्स हैं। कोई भी चीज खरीदो तो टैक्स लगाते हैं, और तो और इसमें 3% स्कूल के लिए लिख के लेते हैं। फुटपाती लोग चावल लेंगे तो भी उसमें हमारी गवर्नमेंट 3% टैक्स तो ले ही लेती है। रोड टैक्स भर के भी रोड सही नहीं है, इस बात को लेकर लोग झगड़ा करते हैं। वही लोग शिक्षा सही नहीं मिल रही है, इस बात को लेकर झगड़ा करते हैं क्या? सत्तारूढ़ पार्टी, विपक्ष पार्टी, ये सब देखकर जनता की हित के लिए झगड़ा करेंगे तो जरूर बदलाव आएगा। बड़े बड़े नेताओं के त्याग के कारण हमें यह आजादी मिली है। उनके आदर्शों पर चलने को कहा तो उनके पुतले के सामने खड़े होकर सेल्फी निकालकर हंसते रहते हैं। मैं एक ही बात कहूंगा, जब तुम लोग वोट डालने का पैसा लेते हो तभी तुम्हारा अधिकार खत्म हो जाता है। जब आप अपने अधिकारों का महत्व जानेंगे, उन अधिकारों को समझेंगे, तब बदलाव आएगा। पब्लिक को बदलाव लाने के लिए बोल रहे हैं आप? शिक्षा मंत्री हो के शिक्षा विभाग में बदलाव नहीं ला सकते हैं क्या? साहब, मैं एक्शन लूंगा तो बदलाव आएगा, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट में नहीं, मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देंगे। साहब, सरकार एक कार की तरह है, उसमें पब्लिक के द्वारा चुने गए ड्राइवर ही हैं। लेकिन पब्लिक क्या करती है, हमें पीछे के सीट पर बिठाकर हमें घुमाती रहती है। साहब, मैं कुछ भी ज्यादा बोल देता हूँ तो फिर सब मिलकर मुझे माफी मांगने के लिए बोलेंगे। मैं माफी नहीं मांग सकता, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए और मुझे जाने दीजिए। ठीक है, आप जा सकते हैं। धन्यवाद। अभी और गवाहों की पूछताछ करना बाकी है योर ऑनर। पूछिए। मेरा नाम रवि है, इन्हीं के स्कूल में मेरा बच्चा है। जब बच्चा पैदा हुआ, बच्चे ने दूध पीना छोड़ा नहीं था, तभी इनके स्कूल में मेरे बच्चे का एडमिशन किया, वो भी 2 लाख रुपए देकर। अभी वो 7वीं में पढ़ रहा है। 40,000 रुपए लेते हैं सर, पर बिल 4,000 का ही देते हैं। 20 रुपए का स्टिकर लगाकर 200 रुपए में बेचते हैं सर। नोटबुक फीस, कवर फीस, लेबल फीस, इनके लिए सिर्फ एक ही बात है, पैसा पैसा पैसा। मैंने बीबी का मंगलसूत्र गिरवी रखा सर। दूसरे स्कूल में डालना चाहिए ना। उधर और कितना पैसा लेगा क्या पता। स्कूल से 2 गली छोड़कर हमारा घर है, लेकिन ये लोग बोलते हैं हॉस्टल में एडमिशन लेना जरूरी है।
घर के पास जो भी गवर्नमेंट स्कूल है उसमें दाखिल कर देना चाहिए था। ये नहीं हो सकता है, हमारे अपार्टमेंट में 100 टेनेंट्स हैं। उधर के बच्चे अच्छे इंग्लिश, अच्छे स्कूल, अच्छी पढ़ाई, अच्छे यूनिफॉर्म्स, ऐसे रहते हुए सिर्फ मेरा ही बच्चा अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी ना। मेरा बच्चा अच्छा है पढ़ाई में साहब, सिर्फ 5 मार्क्स कमाने पर स्कूल में जेल जैसे रूम में उसे बंद करके बहुत सताया। ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, कीड़े मारने वाली दवाई पी के वो मर गया, और ये सब बातें उन्होंने छुपा के रखी। तुम्हारा लड़का भाग गया है ऐसा बोलकर स्कूल में ही दफन कर दिया। योर ऑनर, इस स्कूल में 3 आत्महत्याएं हो चुकी हैं, 2 मर्डर को आत्महत्या जैसा बना दिया गया है। जिसे बात करना नहीं आता है उसके लड़के को बेरहमी से मार दिया जाता है। इससे भी ज्यादा पैसा वसूल करना, घपला करना, ज्यादा फीस वसूल करना, ऐसे सभी गुनाहों का पता चल चुका है। इन सभी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। योर ऑनर, मेरी आपसे यही दरख्वास्त है। अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहती हैं? हमारे गांव में बकरे की बलि चढ़ाने से पहले बकरे से पूछते हैं कि काटे कि नहीं, अगर वो परमिशन देता है तो ही काटते हैं। उसी तरह आप पूछ रहे हैं। कोर्ट का मजाक उड़ाने से आपको कड़ी सजा हो सकती है। मैं कानून से ज्यादा नसीब को मानती हूँ, वरना एक साधारण कॉर्पोरेशन स्कूल टीचर इस मकाम तक नहीं पहुँचती। वकील साहिबा ने बहुत अच्छे से बात की, सुनने के लिए अच्छा लगा, पर ऐसे जी नहीं सकते। वैसे तो जज साहब, गवर्नमेंट स्कूल में 20 पानी की टंकियाँ, कम से कम 100 टॉयलेट्स होने चाहिए, है क्या? योर ऑनर, 2013-2014 के हिसाब से 37,000 गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें से 1400 गर्ल स्कूल, 4700 बॉयज स्कूल। इन स्कूलों में एक में भी टॉयलेट रूम नहीं है, पता है साहब? इसकी तुलना में प्राइवेट स्कूल कुछ भी खराब नहीं है। तिरुवर्णामलाई, मदुरई, ई रोड, ऊटी, कन्याकुमारी, तेनी, तिंडक्कल, करूर, कलकुर्ची, सेलम, इनमें 78 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल बंद है। अब आप ही बताइए, ऐसी हालत में लोग कहाँ जाएंगे? प्राइवेट स्कूल चलाना इतना आसान नहीं है। कितना धन किधर डालना है, कितना चढ़ाना होगा, किधर उतारना होगा, किसको कैसे मारना है, किसका क्या वीकनेस, एक एक रुपये को कैसे डालना है, कैसे वापस लेना है, उसका एक रूल बुक है। 1000 रुपए डालकर इडली की दुकान चलाने वाला 500 का फायदा देखता है, तो 100 करोड़ डालकर हम बिजनेस चलाते हैं अपना फायदा नहीं देखेंगे क्या? टीवी में इतना प्रचार चल रहा है, लेकिन कोई भी फेमस स्कूल और कॉलेज एड दे रहा है क्या? नहीं ना दे रहा है, क्योंकि 10 तारीख को फॉर्म दे रहे हैं, ऐसा सुनते ही 1 तारीख को ही लाइन में खड़े हो जाएगा पब्लिक। इस कटघरे में खड़े ये 3 पेरेंट्स और जो नहीं खड़े रहे वो 30,000 पेरेंट्स, क्या गलत है? तो ये गलती पब्लिक की है क्या? हाँ, पब्लिक की ही है। जैसे मिनिस्टर साहब ने बोला, अपनी पब्लिक कुछ भी खरीदे तो वो दुकान का सामान ही क्यों ना हो, टेलीफोन का बिल ही क्यों ना हो, 3% टैक्स भरते हैं। छोटा सा हिसाब है योर ऑनर, अपने देश की जनसंख्या 128 करोड़, इसमें 50 करोड़ लोग 10 रुपए की चीज लेंगे तो भी 15 करोड़ एक दिन का, और 15 करोड़ के हिसाब से एक साल के 5,475 करोड़ टैक्स हम भर रहे हैं। ये किसके लिए उपयोग करना है? शिक्षा के लिए। लेकिन पब्लिक कहाँ मानती है? शिक्षा हमारा अधिकार है, फ्री में दो, मांगा क्या? हमारे देश में शो के लिए मर्यादा है योर ऑनर, चप्पल एसी रूम में, खाना प्लेटफॉर्म पे बेचने वाला गाँव है। पहले पब्लिक सुधरने दो, फिर गवर्नमेंट सुधरेगी, उसके बाद में हमारे बारे में सोचना। एडवोकेट सुगंधा, आप कुछ कहना चाहती हैं? यस योर ऑनर, जिंदगी में बिना किसी पढ़ाई के, बिना कोई संघर्ष किए इन लोगों ने सब कुछ पा लिया, तो फिर शिक्षा की कीमत ये क्या समझेंगे? जिसको इस चीज की कदर होती है वही इस बात को समझ सकता है। माँ बाप कितनी कठिनाई से अपनी औलाद को पढ़ाते हैं, इन जैसे लोग क्या जाने। 1000 बमों की ताकत रखता है पब्लिक का संघर्ष, वो फटा तो देश सह नहीं पाएगा। ऐसे ही लोगों के लिए कानून पढ़ा है आपने और मैंने योर ऑनर। कोई कितना भी पढ़ा हो लिखा हो, लेकिन उसे किसी की जान लेने का कोई हक नहीं है। अच्छी शिक्षा देने की जगह पर ऐसे ही लोग हमारे समाज को बर्बाद कर रहे हैं योर ऑनर। इनका अपराध अक्षम्य है, इसीलिए इन्हें कड़ी से कड़ी सजा सुनाइए। योर ऑनर, आपके इस फैसले पे हमारे पूरे देश का भविष्य निर्भर है। हमारे देश में एक ही शिक्षा प्रणाली, एक ही सिलेबस, एक ही यूनिफॉर्म और एक ही फीस होनी चाहिए। ये एक सपने जैसा होगा। आपके एक निर्णय पे पूरे देश की नजर टिकी हुई है योर ऑनर। हमारे देश की आम जनता, जो अपने बच्चों को महंगे स्कूल में भर्ती नहीं करा सकते, उनके भविष्य को ध्यान में रख के ही अपना फैसला सुनाइएगा।
इस केस को 6 तारीख तक स्थगित किया जाता है। क्यों एडवोकेट साहिबा, मुझ पर गुस्सा हो? अपने बच्चे के सीट के लिए आई थी, मैंने मना कर दिया। समस्या हो तो बात करके खत्म करते हैं। तुम बात करने की समस्या नहीं हो, खत्म करने की समस्या हो। खत्म कर देंगे एडवोकेट। तुम्हारे सीनियर को ऑफिस में आने बोलना। आने को बोलता हूँ। मैम, सवाल का जवाब दीजिए। आपके ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं मैम? ये एक अग्नि प्रवेश है, निकल जाऊंगी मैं। लेकिन ऑपोजिशन लॉयर के पास आपके खिलाफ काफी सबूत है। वो प्रूफ ही तो दे रहे हैं ना, लेकिन भगवान मेरे साथ है। इस केस को तोड़ने के लिए मुझे 2 दिन काफी है। शक्ति सर, इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे देश में और 4 कोर्ट है, देखेंगे कानून या धर्म। तो फिर क्या आप ये केस जीत जाएंगे मैडम? धर्म और कानून की लड़ाई में इस बार भी फिर से धर्म ही जीतेगा। सर केस पलट देगी बोल रही है। 20 एनकाउंटर करने वालों को मैं जानता हूँ, किसको कैसे मारना अच्छी तरह जानता हूँ। 10 बजे सर आ जाएंगे मैडम। बात करो। ओके मैडम। हेलो, किसे? वो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ? अरे छोटे अंकल, तुझे अपने बाप के जैसा बड़ा कलेक्टर बनना चाहिए। नहीं, आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।